तो वो भी हम हाथ के हाथ पढ़ लेते हैं ये बनाते हुए, क्योंकि पहले हम इसकी यूआई बना लेते हैं। तो यूआई बनाते हुए हम सीएसएस का एक फ्रेमवर्क पढ़ लेते हैं जिसका नाम है मटेरियल यूआई। कितने बजे दोस्त? 7:45 पे। तो मैं 5 मिनट पहले छोड़ दूँ? 40। अच्छा, तो हम जब तक इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, गेट स्टार्टेड का बटन मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पे ना इंट्रोडक्शन का इन्होंने पेज बनाया हुआ है, उसमें कुछ एडवांटेजेस और इस तरह की चीज़ें बताई हुई हैं। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन में इन्होंने npm से भी बताया हुआ है, यार्न से भी बताया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि npm एक पैकेज मैनेजर है, यार्न भी इसी तरह एक और पैकेज मैनेजर है। तो अच्छा, जैसे लिनक्स वगैरह में जो ऐप इंस्टॉल होती है वो आमतौर पर पैकेज मैनेजर से ही करते हैं लोग, apt get करके होता है, लेकिन वो पैकेज मैनेजर एक नहीं होते, कई सारे होते हैं। सही है, जैसे मिसाल के तौर पे एंड्रॉयड का फ़ोन होता है उसके अंदर आपके पास प्ले स्टोर एक ऐप स्टोर बिल्टन आता है, पहले से लगा हुआ आता है, लेकिन और भी ऐप स्टोर्स हैं, जैसे AC मार्केट है, APK मिरर है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बीच में बड़ा जैनी पता नहीं क्या करके था एक, वो बड़ा बीच में लोग यूज़ करने लगे थे एंड्रॉयड में। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग प्ले स्टोर्स हैं, प्ले स्टोर्स जैसी ऐप स्टोर्स हैं जहाँ पे आप थर्ड पार्टी स्टोर्स कहते हैं उनको। तो इसी तरह रिएक्ट के अंदर या नॉट जेएस के इकोसिस्टम के अंदर जो npm है वो डिफ़ॉल्ट पैकेज मैनेजर है जो नॉट जेएस के साथ लग के आता है। यार्न और भी 1000 अभी आ गए हैं दूसरे पैकेज मैनेजर्स। ठीक है, इसी तरह लिनक्स के अंदर apt get जो है वो डिफ़ॉल्ट पैकेज मैनेजर होता है, अगर आप डेबियन वाले में या यूबुंटो वाले में अगर हैं आप। ठीक है, लेकिन apt get के अलावा भी 1000 हैं जो पैकेज मैनेजर्स हैं। ठीक है, एक अगर आप आर्च वार्च में ना, आर्च लिनक्स में, तो उसमें वो दूसरे होते हैं, वो उसमें apt get नहीं होता डिफ़ॉल्ट, उसमें कुछ और ही होता है। फिर थर्ड पार्टी ऐसे हैं जो आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह मैक में जो होम ब्रू होता है एक, उसमें जो चलता है ब्रू इंस्टॉल और आगे आप पैकेज का नाम लिखते हैं, तो ये गूगल क्रोम वगैरह ये सारा ब्रू से इंस्टॉल होता है। अच्छा, इसी तरीके से इसमें एक और होता है पॉड इंस्टॉल और आगे लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं, तो ये स्विफ्ट की जितनी डेवलपमेंट होती है पॉड्स होती है। तो ये पैकेज मैनेजर्स इज क्वाइट नॉर्मल थिंग अगर आप लिनक्स के इकोसिस्टम में आप रहे हैं। विंडोज़ में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इसको समझना, बट मैंने आपको एक ऐसा ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, उससे आपको एक नक्शा खींच दिया मैंने कि ये असल में चीज़ होती क्या है। तो यार्न जो है ना अब थोड़ा सा फेमस हो गया है, तो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में इसका भी जिक्र कर दिया, यार्न पहले से काफ़ी पहले से मौजूद है। अच्छा, तो मैंने क्या करना है, जस्ट मैंने npm वाले को यूज़ करना है फ़िलहाल के लिए, और मैं अपने फ्रंट एंड के कोड को रोक देता हूँ। अरे रुक जा, और मैं ये कमांड लिख देता हूँ इंस्टॉलेशन की। अच्छा, एक इसने कहा है डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन, ठीक है, एक इसने कहा है कि विथ स्टाइल्ड कंपोनेंट। अब स्टाइल्ड कंपोनेंट क्या चीज़ होता है ये हम थोड़ा सा अभी ओवरव्यू लेंगे इसका, कि ये स्टाइल्ड कंपोनेंट क्या चीज़ होता है। अच्छा, बट इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, npm इंस्टॉल करते हुए ना आप लाइब्रेरी के नाम एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं एक ही वक्त में, स्पेस सेपरेटेड। तो इन्होंने देखो क्या किया, एक मटेरियल @mui/material, ये एक लाइब्रेरी का नाम है। सही है, emotions/react और emotions/styled, ये तीन इन्होंने चीज़ें इसमें इंस्टॉल की हैं जो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन है। ऑन अदर एंड जो स्टाइल्ड कंपोनेंट है उसके अंदर इन्होंने क्या इंस्टॉल किया, /material जो कि कॉमन है दोनों में। तो क्या किया मैंने ये, ठीक है, /material जो दोनों में कॉमन है। उसके अलावा emotion/react को माइनस करके इन्होंने क्या डाला है यहाँ पे, @mui/styled src और स्टाइल कंपोनेंट, ये तीन लाइब्रेरीज अलग अलग इन्होंने इंस्टॉल किए हैं। अच्छा, मटेरियल UI यूजेस इमोशन एज इट्स डिफॉल्ट स्टाइलिंग इंजन। अब ये स्टाइलिंग इंजन क्या चीज़ होती है ये हमने अभी तक नहीं देखा। इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ स्टाइल्ड कंपोनेंट इंस्टेड, रन वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स। ठीक है, कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट को अगर छोड़ के आप स्टाइल्ड कंपोनेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप ऐसे करके करेंगे। अभी हम वो देखते हैं सबको कि क्या चक्कर है, पीयर डिपेंडेंसी का क्या हिसाब किताब है। कह रहा है कि रिएक्ट जो है ना हमें चाहिए या तो बड़ी या तो इक्वल 17.00 के। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि या तो रिएक्ट या तो बड़ा हो या तो इक्वल हो 17 के, और रिएक्ट डॉम जो वो भी 17 या उससे बड़ा हो, आर द पीयर डिपेंडेंसीज। अगर आपने रिएक्ट 17 से छोटा इंस्टॉल किया हुआ है पुराना वर्जन, तो ये काम नहीं करेगा उसमें। फिर आपको उसमें इंस्टॉलेशन के लिए रिएक्ट का भी, यानी मटेरियल UI का भी पुराना वर्जन आपको करना पड़ेगा।
अच्छा, उसके अलावा फॉन्ट्स कुछ इस्तेमाल किए हुए उन्होंने, मटेरियल यूआई इज़ डिज़ाइन टू यूज़ रोबोटो फॉन्ट फैमिली, क्योंकि गूगल का है रोबोटो फॉन्ट, और मटेरियल डिज़ाइन जो है, मटेरियल डिज़ाइन गूगल ने बनाया है, ठीक है, ये साइट गूगल की नहीं है, ना मटेरियल यूआई गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, मटेरियल यूआई इज़ अनदर प्रोडक्ट, बट मटेरियल डिज़ाइन गूगल ने एक डिज़ाइन बना के मार्केट में छोड़ा है। गूगल कहता है कि हम अपनी तमाम प्रोडक्ट्स में इसी डिज़ाइन को इस्तेमाल करते हैं, और सब लोगों के लिए ओपन कर दिया इंटरनेट के लिए कि आप भी इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। मटेरियल डिज़ाइन की वेबसाइट अलग है, वो भी ज़रा खोल के दिखा देता हूँ। मटेरियल डिज़ाइन इज नथिंग बट सम इंस्ट्रक्शंस कि भाई क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए। व्हाट इज मटेरियल, कहाँ चला गया भाई, गुम हो गया। ठीक है, देखो इन्होंने बताया कि भाई बैजेस जो होंगे ना वो ऐसे होंगे। अब इसमें डू और डू नॉट भी इन्होंने कहीं मेंशन किया हुआ होगा। ये मेरा ख्याल है मैं गलत वेबसाइट खोल दी मैंने कोई। ये देख रहे हो इस पर ग्रिड पे ना इन्होंने बना के बताया है कि ये कंटेनर है, कंटेनर का क्या कलर होगा, सरफेस कैसा होगा इसका, साइजेस क्या होंगे, कितना डिस्टेंस होगा किस चीज़ का, ठीक है। फिर डू एंड डू नॉट्स भी लिखा हुआ होगा इसमें कहीं ना कहीं, मेरे ख्याल है वो शायद ख़त्म कर दिया लास्ट वाले में था। वो कह रहे कि भाई बटन होगा साथ में तो वो कैसे होगा, बगैर बटन के होगा तो वो कैसे होगा, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन गाइडलाइन, दिस इज़ नथिंग बट जस्ट अ गाइडलाइन कि भाई ऐसा करना है आपने, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, जो लोग बोलते हैं, हाँ ये ना डू एंड डू नॉट लिखा हुआ है इन्होंने, देखो दोनों में क्या फ़र्क है। कह रहा है यूज़ अ बॉटम ऐप बार टू प्रोवाइड द कन्वीनियंट एक्सेस टू एक्शंस, डोंट यूज़ बॉटम ऐप बार ऑन स्क्रीन विद जस्ट वन एक्शन और नो एक्शन। कह रहा है ये बार आना वन बटन के साथ आपने नहीं लगाना, ठीक है, दो या तीन कम से कम लगाने हैं बटन आपने, सही है, सिर्फ वन के साथ नहीं लगाना, ठीक है। डू वीडियो बना के बताइए पूरी कि भाई ऐसे क्लिक होगा ऐसे होगा। तो ये एक गाइडलाइन डॉक्यूमेंट है, इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है ना इन्होंने एनाटॉमी करके दिया है इन्होंने कि भाई क्या चीज़ क्या है, किस चीज़ का डिज़ाइन पर्पस क्या है। हमने थोड़ी सी शायद डिज़ाइन की डिस्कशन शायद इस क्लास में की है हमने शुरू में कि भाई व्हाट इज़ डिज़ाइन, व्हाट इज़ फंक्शनल डिज़ाइन। तो ये प्योरली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कि भाई कोई चीज़ अगर कहीं पर है तो वो क्यों है, और कोई चीज़ अगर कहाँ पर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये प्योरली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, तो जो लाइब्रेरीज इस डिज़ाइन गाइडलाइन जी भेजता हूँ, इस डिज़ाइन गाइडलाइन को फॉलो करती है ना प्रॉपर, वो लाइब्रेरीज या वो कंपोनेंट्स अपने आप को क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं, सही है। जैसे मटेरियल यूआई का मतलब है कि हमारी यूआई का लाइब्रेरी है और उसमें जो कंपोनेंट्स है सारे वो मटेरियल यूआई की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। अच्छा, मटेरियल यूआई से पावर्ड सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है जो मटेरियल यूआई है, एक इनका भी अपना भी एक, गूगल वालों की एक अपनी भी लाइब्रेरी है, क्योंकि गूगल का भी एक फ्रेमवर्क है ना यूआई का, एंगुलर के नाम से, पहले बड़ा चलता था, अब वो थोड़ा डाउन हो गया, तो उसके साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था एंगुलर मटेरियल। एंगुलर मटेरियल वॉज द फर्स्ट वर्जन जो एंगुलर के साथ इन्होंने रिलीज़ किया था 1.0, अभी तो ये 3 आ गया है, मटेरियल डिज़ाइन का V3 चल रहा है अभी, ठीक है। देखो 3 इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पर। तो मटेरियल यूआई इज़ नॉट दी ओनली फ्रेमवर्क जो मटेरियल डिज़ाइन को फॉलो करता है। आपके जो एंड्रॉयड का फ़ोन है पूरा का पूरा, उसमें इस वक्त जो अंदर डिज़ाइन है वो मटेरियल डिज़ाइन है। यही वजह है कि आप जो ऐप बार वगैरह देख रहे होंगे वो काफ़ी फेमिलियर दिख रहा होगा आपको। तो एंड्रॉयड का अंदर जितना भी डिज़ाइन है सारा वो मटेरियल को यूज़ करता है। इसी तरीके से जो फ्लटर है उसमें कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो मटेरियल डिज़ाइन को फॉलो करती हैं। इसी तरह एंड्रॉयड नेटिव तो है ही पूरा मटेरियल डिज़ाइन पर। अच्छा, रिएक्ट नेटिव के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो सारे वो मटेरियल यूआई को फॉलो करते हैं। फ्रंट एंड के ऊपर एक मटेरियल यूआई है, उसके अलावा बूट स्ट्रैप भी अब आ गई है जो मटेरियल डिज़ाइन को फॉलो करती है, एक नई वाली बूट स्ट्रैप है। तो मटेरियल यूआई वाले, अच्छा चाकरा है अभी, मोस्ट प्रॉब्ली शायद मुझे याद पड़ रहा है वो भी मटेरियल को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये देख लिया कि मटेरियल डिज़ाइन,
बहुत सारी लाइब्रेरीज जो उसको फॉलो करती हैं, हमने एक पकड़ी हुई है। अच्छा, मटेरियल डिज़ाइन इज़ नॉट द ओनली यूआई, नॉट द ओनली डिज़ाइन, मटेरियल डिज़ाइन के अलावा और भी डिज़ाइन प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। मटेरियल डिज़ाइन से पहले जो डिज़ाइन चलता था ना, उसमें शेडो वेडो होता था, थोड़ा बटन 3D जैसा दिखाते थे, ठीक है। जो विंडोज़ के अंदर जो बाई डिफ़ॉल्ट बटन जिस तरह का दिखता है, दैट इज़ अनदर डिज़ाइन प्रैक्टिस जो विंडोज़ में, विंडोज़ वालों ने मटेरियल डिज़ाइन को अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। वो उनका अपना एक डिज़ाइन प्रैक्टिस है, उसको वो चला रहे हैं। वेल, तो अभी आप लोग सब नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, फिर हम आते हैं वापस, तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो इंस्टॉलेशन हमने NPM से ये सीधा सीधा कर लिया था, और विथ स्टाइल डी कम्पोनेंट्स, तो स्टाइल डी कम्पोनेंट्स क्या चीज़ होते हैं वो देख लेते हैं। मटेरियल UI यूजेस इमोशन एज इट्स डिफॉल्ट स्टाइलिंग इंजन। अब इमोशंस क्या चीज़ है आप ज़रा देख लेते हैं अगले टैब में। ये इमोशन एक अलग से चीज़ है। इसमें क्या होता है कि आप जो है ना, ये डिव बनाया आपने और इसी के अंदर आप CSS अटैच कर देते हैं साथ साथ, सही है, ये देख रहे हो, क्लास नेम करके ना यहीं पे CSS आप लगा देते हैं, ठीक हो गया, ये चल रहा है। इन्होंने और भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई है यहाँ पे, ये देख रहे हो, एक डिव बनाया, उसके अंदर बोला भाई पैडिंग 32 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर हॉट पिंक, फॉन्ट साइज 24, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, और वो सब का सब अप्लाई हो गया, ठीक है। जस्ट लाइक इन लाइन CSS, लेकिन इन लाइन CSS से ये थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि इन लाइन CSS में वो डबल डबल ब्रैकेट देनी पड़ती है और फिर उसमें हमें और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं लिख सकते हम जैसे हम इसमें लिख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये इमोशन है। अच्छा, स्टाइल कंपोनेंट क्या चीज़ है वो भी देख लो। स्टाइल कंपोनेंट जो है ना, वो इसी इमोशन से ही मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें हम कहते हैं भाई कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू स्टाइल डॉट ए, सही है। स्टाइल में से ना एंकर टैग इसने ए उठा लिया, और ए से ना एक बटन अभी राइट नाउ तैयार हो रहा है, ठीक है। इस पर कुछ CSS लगाइए और इस पर कुछ लॉजिक लगाइए और ये बटन नीचे तैयार हो गया। नीचे और भी एग्जांपल्स हैं इसकी, ठीक है। ये बटन के कंपोनेंट से बटन बनाया जा रहा है। तो ये लिखने के बाद ना, अब मैं नीचे बटन का कंपोनेंट यूज़ करूँगा तो वो बटन का कंपोनेंट बन जाएगा, बटन बना हुआ जाएगा और उस पर ये स्टाइलिंग लगी हुई आ जाएगी, सही है। तो बजाय इसके कि हम CSS की फाइल अलग से रखें और क्लास वगैरह उसमें बनाएं, हम बटन बना लेते हैं टॉप पे ही। अच्छा, तो ये हमने देख लिया कि स्टाइल्ड कंपोनेंट क्या होते हैं। स्टाइल्ड कंपोनेंट की मज़ीद एक एग्जांपल है, स्टाइल्ड बटन, और ये इसने इस पर पूरी स्टाइलिंग की है। साथ में इसको ये भी बताया कि अगर प्राइमरी का एट्रीब्यूट होना तो CSS ये वाली लगानी पर, सही है। यार ये तो HTML की चीज़ है, EM और REM, अभी करते हैं उसको हम कुछ उसका जुगाड़ लगाते हैं। यूनिट्स हैं सर, हाँ। इसका जो डिफरेंस है ना, वो EM जो होता है वो एक M की लंबाई को EM कहते हैं। जब रिलेटिव फॉन्ट के साइज से रिलेटिव जब आपको साइज़ देना होता है तो आप EM का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि जितना बड़ा फॉन्ट दिख रहा है उससे, मिसाल के तौर पर एक पिक्चर दिखानी है आपने, वो 12M जितनी दिखानी है, एम का साइज़ जो भी है उससे 12M जितना बड़ा होगा उतनी विड्थ हो जाएगी उसकी। तो ये इसलिए हम देखते हैं, उससे बेनिफिट ये होता है कि किसी जगह पे अगर फॉन्ट को इंक्रीज़ करते हैं तो साथ साथ वो पिक्चर भी बड़ी होती है, एज को मतलब फॉन्ट से रिलेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे आप EM लिखेंगे ना, पिक्सल वर्सेस EM, तो यहाँ पे ना आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। ये 16 पिक्सल का एक EM होता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट साइज़ जो बॉडी का है वो 16 पिक्सल होता है। तो मैंने कहा कि भाई 16 पिक्सल तो ये एक EM बनेगा कन्वर्ट, अबे चल जा, हाँ ये 1 EM बन गया, सही है। इसी तरह 32 पिक्सल का 2 EM बनेगा। अब अगर मैं कहता हूँ ना 1.23 EM, तो ये 19.68 पिक्सल बनेगा, समझ रहे हो। तो EM जस्ट एक अदर वैल्यू है, पिक्सल को ही लिखने का एक दूसरा अंदाज़ है, ठीक है। लेकिन EM से बेनिफिट ये होता है कि अगर फॉन्ट का साइज़ बढ़ेगा तो वो भी साथ साथ बढ़ेगा। अब REM इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। EM वर्सेस REM लिखोगे, ये एक डिफरेंट चीज़ है। REM यहाँ पे कहीं बेहतरीन सी चीज़ मिल जाए, CSS ट्रिक्स इसमें चलता है। अच्छा,
Jeremy trends to favor EM because the ability to control the area of design is this. I have tended to like REM because it has the ability to scale across the entire page easily. क्या बता दिया इसने यार ये? I use REM more than. सर वो उस पहली लाइन लिखी थी बस. The first line है वही है. While EM is related to font size, it is direct to the nearest parent. REM is only relative to the HTML root font size. So ये root का जो font size है वो 16 pixel होता है. तो REM में और EM में difference ये है कि EM अपने parent के M को देखेगा कि अपने parent का M क्या size है, और REM देखेगा root वाला जो भी root, यानी body का जो text है सिर्फ उसको देखेगा. तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है. अच्छा जी, तो स्टाइल कंपोनेंट हमने देख लिया. अच्छा एक चीज़ और भी मैं ये समझता हूँ कि ये वाला जो काम है ना, ये लाइब्रेरी लेवल पे हो तो ज़्यादा अच्छा है. मतलब हमें मटेरियल यूआई ने एक बटन का कंपोनेंट बना के दिया तो वो ऐसे बना के दिया तो सही है, लेकिन हम खुद अपने लिए एक एक कंपोनेंट बनाना शुरू कर दें तो दिस इज़ नॉट गुड. सही है, तो स्टाइल कंपोनेंट को हम अवॉइड करेंगे फिलहाल के लिए. स्टाइल कंपोनेंट के अंदर हम खुद स्टाइल कर सकते हैं, खुद कंपोनेंट बना सकते हैं. स्टाइल कंपोनेंट में वो कुछ बिल्ट इन कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं रिएक्ट के, उसको उठाएंगे सीएसएस लगाएंगे, मेरा खुद का कंपोनेंट तैयार हो जाएगा. लेकिन हम वो करने नहीं वाले. अच्छा रोबोटो फॉन्ट का ये कह रहा था कि भाई ये इंस्टॉल कर लो. रोबोटो फॉन्ट से ही बात शुरू हुई थी कि यार रोबोटो फॉन्ट गूगल का फॉन्ट है, तो वो मटेरियल यूआई के अंदर ना या मटेरियल डिज़ाइन के अंदर रोबोटो फॉन्ट की बड़ी वैल्यू है. तो इसको भी कॉपी करके हम क्या करते हैं, अपने फ्रंट एंड पे आके इंस्टॉल कर देते हैं. सही है, मेरे फ्रंट एंड पे इंस्टॉल हो गया ये. और यू कैन इम्पोर्ट दिस फॉन्ट लाइक दिस 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 कह रहा है. कहीं पे भी आपको इम्पोर्ट करना हो तो आप ऐसे करके इम्पोर्ट कर लेना. ठीक है, कह रहा है कि आप रोबोटो फॉन्ट को लिंक लगा के भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपका जो HTML का. अब ये भी समझ लो कि इसको लिंक लगा के अगर इंस्टॉल करना होगा ना तो कहाँ पे लिंक लगाएंगे हम. पब्लिक के अंदर index.html के अंदर जाएंगे हम, और यहाँ पे ये लिंक हम हेड में अटैच कर देंगे. सही है, तो हमने ऐसे करके इंस्टॉल कर दिया, तो अब हमें यहाँ से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इंस्टॉल हो गया. कह रहे आइकन्स इंस्टॉल कर लो आप. MUI के अपने आइकन्स हैं कुछ, तो मैंने आइकन्स भी इंस्टॉल कर लिए. चलो ठीक है, आइकन्स इंस्टॉल हो गए. ठीक है, आइकन्स को भी मैं लिंक लगा के कर सकता हूँ, लेकिन अभी लिंक लगा के हम करना थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें. ठीक है, सी डी एन्स भी लगा सकते हैं इन चीज़ों के. अच्छा नेक्स्ट, अब यूजेज की बात आ गई. ये इंस्टॉलेशन यहाँ पे मेरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई. अब इसका सबसे जो बेसिक यूजेज है वो क्या है कि मैं बटन को इंपोर्ट करूँगा. एक तो मैं बिल्ट इन रिएक्ट का कंपोनेंट यूज़ करता था ना, अभी स्मॉल बी से बटन लिखता था तो बिल्ट इन कंपोनेंट चल पड़ता था रिएक्ट का. अब मैं ऐसे करके इम्पोर्ट करूँगा इसको. आ जाओ भाई इम्पोर्ट कर लेते हैं. कहाँ पर कर रहा हूँ मैं इम्पोर्ट इसको, ये कॉन्टैक्ट के पेज पर ही कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि कॉन्टैक्ट के पेज को हम क्या करेंगे, मटेरियल डिज़ाइन के जरिए हम बनाएंगे. तो यहाँ पे बटन मैंने ऐसे करके बटन को मैंने इंपोर्ट कर लिया. अब बटन को मैंने चलाना कैसे, अब यहाँ पे मैं आऊँगा इस बटन को BUTTON और ये मेरा बटन बन के तैयार हो गया. आई एम मटेरियल UI बटन. आ जाओ भाई देखते हैं क्या रिपोर्ट है इसकी. कॉन्टैक्ट के पेज पे जाते हैं. ये क्या हुआ, अच्छा फ्रंट एंड मैंने रोक दिया था ना. फ्रंट एंड को दोबारा से चला लेते हैं. npm start. ये बटन बन गया मेरा. ठीक है, क्लिक भी हो रहा है इसके ऊपर. अभी वो अभी आते हैं उसके ऊपर. अभी बेसिक यूजेज हमने देखा है. इसमें BR लगा लेते हैं ताकि ये नीचे आ जाए थोड़ा. सही है, नीचे लाइन में लेकर आ गया. मैंने कहा भाई बटन है ये. सही है, जस्ट बटन कर देते हैं इसको हम. ठीक है भाई, तो ये कुछ इस तरह का दिखने वाला है ये बटन. अच्छा तो ये बेसिक यूजेज हमने समझ लिया इसका. इस तरह से हमारे पास कंपोनेंट की एक लिस्ट इन्होंने बनाई हुई है. अभी थोड़ी देर पहले हम रिएक्ट के बिल्ट इन कंपोनेंट की लिस्ट तलाश करते हैं, वो नहीं मिली हमें. तो वो यहाँ पे हमारे पास मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स हैं. अच्छा ये कंपोनेंट कौन से हैं, ये कंपोनेंट हमने नहीं बनाए, ये कंपोनेंट रिएक्ट के बिल्ट इन में नहीं है, ये हम मटेरियल यूआई के साथ इंस्टॉल कर रहे हैं.
ये बहुत सारे कंपोनेंट इन्होंने बना बना के रखे हुए लाइब्रेरी लेवल पे, हम उसको उठाते हैं और उसको चलाते हैं। अच्छा, क्या इसमें कोई दुनिया का नया कंपोनेंट नहीं बनाया इन्होंने? वही वाले हैं जो बिल्टन में होते हैं सारे, प्लस कुछ एडिशनल चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि अभी वो आप देखेंगे कि कुछ कोलैप्स वगैरह के भी इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, ट्री करके कुछ चीज़ें मौजूद हैं। अभी हम लिस्ट पूरी देखेंगे कि क्या क्या है उसमें। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक हेलो वर्ल्ड करके ये चलाकर बताया हुआ। अच्छा, इसके अंदर कुछ प्रॉप्स पास कर सकते हैं कि ये बटन कैसा होना चाहिए, सही है? तो मैंने कहा भाई वेरिएंट कंटेंट करके बनाएंगे तो ऐसा बटन बनना चाहिए। तो आके हम देखते हैं कि भाई वेरिएंट इसको कंटेंट देने से क्या होता है, ये ऐसा बटन बन जाता है, सही है? अच्छा, कंटेंट के अलावा भी तीन चार वेरिएंट है, वो जहाँ पे बटन की लिस्ट है ना वहाँ पे हमें वो दिख जाएगा, एक आउटलाइंड होगा इसमें, सही है? आउटलाइंड में कुछ ऐसा बनेगा ये, तो वो तीन चार तरह के होते हैं अलग अलग, अभी वो आगे आ जाएगा वो डॉक्यूमेंट में कि क्या क्या है वो सब कुछ। ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट सब इसने कुछ बना के रखे हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट JS का एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, क्रिएट रिएक्ट ऐप का बना के रखा हुआ है, टाइप स्क्रिप्ट के साथ भी उसके बगैर भी, ठीक है? तो हम क्रिएट रिएक्ट ऐप वाले प्रोजेक्ट को ज़रा देख लेते हैं कि वो क्या है। ठीक है, ये इस तरह से इन्होंने बना के रखा हुआ है यहाँ पे, और ये कह रहे हैं कि आप इसको ना कोड सैंड बॉक्स में भी मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। कोड सैंड बॉक्स में जाके देखता हूँ इसने क्या बनाया हुआ है। ये इन्होंने क्रिएट रिएक्ट ऐप से ना ये एक ऐप बना के रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है? क्रिएट रिएक्ट ऐप एग्जाम्पल टेम्पलेट्स, अब इसमें तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ही बेसिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये बेसिक स्ट्रक्चर में भी काफ़ी सारी चीज़ें करने वाली, वो भी बताएगा खुद ही, ये भी वो खुद ही बताएगा कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। नहीं, मुझे लगा कि वो पूरा उन्होंने कोई डैशबोर्ड वगैरह बना के रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा डैशबोर्ड नहीं बनाया हुआ उन्होंने। अच्छा, ये बता रहे हैं कि यार फ्री में आपको क्या क्या मिल जाता है इसमें, और पेड में क्या क्या मिल जाता है। हमें तो फ्री वाला यूज़ करना है, हम नेक्स्ट करते हैं। अब टेम्पलेट्स आ गए। अच्छा, ये है वो जगह जो मैं उस पर देख रहा था ना, ये कुछ इनके ना टेम्पलेट्स हैं, देख रहे हो? इस तरह की पूरी ऐप इन्होंने बना के रखी हुई है इस मटेरियल UI पे। ये रहा लॉग इन साइनअप का बटन, मतलब पेज वेज बना के रखा हुआ है। ये वो चीज़ें जो मोस्ट कॉमनली आपको ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है? एक थोड़ा डिफरेंट तरह का लॉग इन का पेज भी है, पिक्चर लगाई भी है साथ में। तो मैं इसमें डैशबोर्ड वाले को ना ज़रा क्लिक करता हूँ। ये तो पूरा पेज ही चेंज कर दिया इसमें, नए टैब में खोलना था ना। ठीक है, ये वो जगह है यहाँ पे, देख रहे हो? chart.jsx और ये dashboard.jsx, यहाँ पे सारा इन्होंने वो बना के रखा हुआ है। लाइव डेमो इसका क्लिक कर लेते हैं हम ज़रा। ये आपको क्लोन करेंगे इसको तो आपके पास एज इट इज़ ये चलेगा, ठीक है? कुछ इस तरह की चीज़ इन्होंने बना के रखी हुई है। ये इनके डिफरेंट पेजेस हो सकते हैं, ठीक है? राउटर इन्होंने नहीं लगाया, जस्ट कंपोनेंट को प्लेस किया हुआ है, ठीक है? टेबल्स कुछ बना के रखी हुई है इन्होंने यहाँ पे, बस यही कंपोनेंट्स हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे, इसमें मटेरियल आइकन्स वगैरह भी अटैच हुए हैं, और ये डिफरेंट डिवाइसेस पे मोस्ट प्रोबेबली ये रिस्पॉन्सिव भी होगा, देख रहे हो? रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक हो गया जी। ठीक है, ये नीचे चला जाता है, कुछ चीज़ें इसकी वो नीचे चली जाती हैं। ये हमें पता है, हमने फ्लैक्स बॉक्स में ये चीज़ें पढ़ी थी, फ्लैक्स रैप वगैरह की सूरत में, कि ये कैसे इंटरनली चल रहा होगा वो हम एग्जैक्टली जानते हैं। ये इतनी छोटी स्क्रीन तक पे भी चल रहा है, बस यहाँ से आगे ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है, सही है जी। टू एटी की साइज़ तक ये चल रहा है, यानी स्मॉल मोबाइल का जो साइज़ होता है ये ना, स्मॉल मोबाइल के साइज़ तक ये बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन टेबल इसकी थोड़ी बाहर आ जाती है। नहीं, स्मॉल मोबाइल तक नहीं, लार्ज मोबाइल, नहीं लार्ज मोबाइल पे भी टेबल बाहर आ जाती है इसकी। वेल, तो यहाँ पे कुछ इन्होंने टेम्पलेट्स इस तरह बना के रखे हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। देखो, फॉर्म्स वगैरह बनाए हुए इन्होंने, तीन स्टेप वाले, चार स्टेप वाले फॉर्म बनाए हुए हैं। कुछ प्रीमियम टेम्पलेट्स भी हैं जो पेड हैं। उसके अलावा आपको रिएक्ट के टेम्पलेट
जो रिएक्ट पे बने हुए एंटायरली वो इंटरनेट पे भी आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जैसे HTML5 का टेम्पलेट हमने देखा था, HTML जब ख़त्म किया था, जब हमने CSS कंप्लीट की थी उस वक्त हमने टेम्पलेट्स का शायद जिक्र किया था कि भाई इंटरनेट से ना HTML5 के टेम्पलेट आप उठाते हो, वो एक बनी हुई वेबसाइट होती है, जैसे उसमें टेक्स्ट और फोटो चेंज करते हैं वेबसाइट आपकी हो जाती है। वो इसी तरह रिएक्ट के भी टेम्पलेट बने हुए मौजूद हैं, आपने लॉगिन साइनअप की स्क्रीन वगैरह चाहिए आपको तो वो टेम्पलेट से आप इजीली उठा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में अब आ जाता है लर्न, लर्न यूजिंग रिसोर्सेज, कि अभी इसको यूज़ करना कैसे है। ये तो पहला कंपोनेंट तो ये लगाना बता चुके ऑलरेडी, अभी आगे क्या बता रहा है लगाना, ठीक है। ये सारी रिसोर्सेज के बारे में बता रहा है कि एग्जांपल प्रोजेक्ट्स और टेम्पलेट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। और नेक्स्ट डिज़ाइन रिसोर्सेज, डिज़ाइन रिसोर्सेज आपके पास क्या क्या मौजूद है, फिग्मा XD और ये तीसरा पता नहीं कौन सा है, इसका जो है ना इन्होंने डिज़ाइन टेम्पलेट बना के रखा हुआ है। डिज़ाइन टेम्पलेट क्या चीज़ होता है कि अगर कोई डिज़ाइनर, अगर कोई ऐप डिज़ाइन कर रहा है XD पे या फिग्मा पे, आपको इसका आइडिया होगा, आज एक सेमिनार भी था, मैंने शायद ग्रुप में शेयर भी किया था, आप लोग आइएगा, कोई आया था आप में से, आज 11 बजे एक सेमिनार था, मे भी उसकी रिकॉर्डिंग की उन्होंने, तो आप देख लीजिएगा फेसबुक वगैरह पर। तो फिग्मा पे अगर कोई बना रहा है ना डिज़ाइन, तो उसको क्या चाहिए होगा, उसको ये सारे बटन्स, ये सारे ड्रॉप डाउन्स चाहिए होंगे ना उधर, ताकि वो प्लेस करके बनाए। तो इन्होंने ना ये बनाया हुआ है इधर सारे बटन्स की ना एक लिस्ट, ऑब्वियसली इन्होंने बना के डाली हुई होगी। चल पड़ा भाई आज की ज़िंदगी में, सही है जी, ये देख रहे हो तमाम टेक्स्ट के साइजेस, फॉन्ट का साइज XYZ जो जो होता है ना वो सब, बटन्स कौन कौन से होते हैं, किस किस साइज़ के हो सकते हैं, क्लिक करने पे, ये पूरा लिस्ट एक बना के रखा हुआ है उन्होंने। अब वो जस्ट इसमें से क्या करेगा बंदा, अभी तो मैं प्रीव्यू देख रहा हूँ ना, वो एडिट भी कर सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। ये बटन जितने भी बटन्स हैं मटेरियल के अंदर वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है मटेरियल के अंदर। तो वो डिज़ाइनर क्या करेगा, जब डिज़ाइन बना रहा होगा ना, एक स्क्रीन बना रहा होगा, फोटोशॉप पे तो नहीं बनती अब स्क्रीन, अब तो बनती है फिग्मा पे XD पे, तो ये रिसोर्सेज वो इस्तेमाल करेगा, समझ रहे हो। अच्छा, तो आपको जब मिलेगा ना डिज़ाइन, आपको जब मिलेगा डिज़ाइन तो आपको ये वाली रिसोर्सेज के साथ जब मिलेगा ना, तो आपको कोई फोटोशॉप से एक्सपोर्ट करने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मटेरियल या के कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे और वो बन जाएगा, ठीक है। देख रहे हो उसमें सारे बटन्स हैं। अच्छा, बटन्स के अलावा इसमें देखो ये आपके जो इनपुट बॉक्सेस हैं, ठीक है, साइन इन की स्क्रीन है पूरी। तो डिज़ाइनर्स के लिए भी काइंड ऑफ ये क्या है ये स्केलेटन्स हैं, स्केलेटन्स है ना, जो लोड जब तक नहीं होता जब तक वो स्केलेटन कर रहा होता है, ठीक हो गया भाई। अच्छा, बटन्स के अलावा इसमें जो भी कुछ होता है ना, डेटा ग्रिड कैसी कैसी हो सकती है वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई ऐसी डेटा ग्रिड हो सकती है, ऐसी हो सकती है, तो वो इन्हीं में से ही कंपोनेंट्स उठा उठा के इस्तेमाल कर रहा होगा, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन ऐसे हो सकता है, चेकबॉक्स, डिज़ाइनर इसी में से उठाएगा, ठीक है। मिस्क का मतलब है कि वो बची हुई चीज़ें जो है सारी, बची हुई में कुछ नहीं है, चेक बॉक्सेस, ये आ गए सारे चेक बॉक्सेस। कलर तो देखो अभी उस पर आ रहे हैं ना, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो कंपोनेंट जो उन्होंने बना के ये सब रखा हुआ है, ये सब बना के रखा हुआ है, ये हमें जस्ट इम्पोर्ट करके इस्तेमाल करना है, वो अभी हम और भी 4-5 करके देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। बट यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइनर के लिए बना कर दिया हुआ है, अभी वो आप बता रहे हैं, ठीक है जी। अवतार कैसा होगा, इस तरह का हो सकता है, टेक्स्ट वाला या फोटो वाला, चकोर, गोल, ठीक है, 3-4-5 ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप्स में ऐसे 5 दिखाने होते हैं हमें एक साथ, ठीक है, ये सब इन्होंने बना के रखा हुआ है, देख रहे हो। कोई मतलब कहीं पर अपडेट करना है अगर अवतार को, तो ये अवतार बना हुआ है, साथ में चेंज का बटन बना हुआ है, ठीक हो गया। अलर्ट कैसे हो सकते हैं इसमें, ऐसे हो सकते हैं अलर्ट, ठीक है। स्क्रीन पे ये किस तरह से दिखेंगे वो यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि भाई स्क्रीन पे ऐसे दिखेंगे। साइड से भी निकल सकता है, टॉप लेफ्ट या टॉप राइट पे। आमतौर पर आपने देखा होगा कि गूगल वाले आजकल जो है ना उसको बॉटम राइट के ऊपर अलर्ट दिखा रहे होते हैं, कोई भी आप चेंज करते हैं तो बॉटम राइट में उसका अलर्ट आता है आपके पास, ठीक है। तो ये एक चीज़ मौजूद है जो डिज़ाइनर्स के लिए बनी हुई है,
लेकिन कभी अगर आपको खुद को डिज़ाइन करना पड़ जाए, जाहिर है एज अ फ्री लांसर जब आप कोई काम करते हैं तो आपको ये चीज़ें खुद करनी पड़ सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो। क्योंकि अगर आप कोड खोल के और उसमें कंपोनेंट लगा लगा के डिज़ाइन करेंगे ना, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, वो समझ ही नहीं आता आपको इसमें, क्योंकि वो प्लेस करना होता है ड्रैग ड्रॉप, तो आप प्लेस करके अच्छे से उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। आपका क्लाइंट बता आपसे कह रहा है कि यार बनने के बाद कैसा दिखेगा, मुझे एक स्क्रीन डेमो बना के दो, तो वो बजाय डेमो आप कंप्यूटर पे बनाने के, वो कोडिंग के ज़रिए बनाने के, आप फिग्मा पे बना के दिखा दें उसको, ठीक है, वो जस्ट प्लेस करके आपने कहा यार ऐसा ठीक है, वो कहेगा हाँ ठीक है, तो आपने फिर उसकी कोडिंग कर देनी है उसको देख देख के। और नो डाउट अगर आपके पास डिज़ाइन मौजूद हो, फिग्मा XD एक ही है ये सारे एक्चुअली, ठीक है, XD पे भी मैं क्लिक करूँगा ना तो यही आएगा, ये वही आ गया, ठीक है, XD पे इन्होंने पेड रखा हुआ है कम, इन्होंने उस पर भी पेड था, नहीं नहीं रियली लाइव प्रीव्यू में तो वो कह रहा था कि गेट अ कॉपी, अच्छा नहीं वो वंस मेरे पास कॉपी आ गई, फिर तो वो मेरी प्रॉपर्टी है ना, फिग्मा मैंने यूज़ किया थोड़ा बहुत, गेट अ कॉपी में तो फिर मेरा हो जाता है वो, मैं गेट अ कॉपी करूँगा ना, फिग्मा मुझसे कोई पैसा नहीं मांगता, तो मेरे पास एक कॉपी बन के सेव हो जाती है, मैं उसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ इवन ना, ये तो कॉपी बन गई, वेल कुछ पता नहीं चक्कर होगा इंटरनल उसका, तो अच्छा ये लाइव प्रीव्यू इसमें भी है XD में, भैया तो फिर फिग्मा खुल गया, ये XD वाला, अच्छा drive.google.com डायरेक्ट zip दे दिया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि XD डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, क्लाउड पे भी चलती है ये लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो इन्होंने इसका zip फाइल दिया हुआ है, बट यहाँ पैसे क्यों लिखे हुए ये मेरे समझ नहीं आया, जब वो ऐसे ही कौन से फीचर है यार कि इतने सारे यूज़र का बाय ना हो, जब मुझे ड्राइव पे दे दी इन्होंने ये XD की फाइल 19 MB, पता नहीं ये मेरे समझ नहीं आया बहरहाल कि क्या है ये, जब मुझे पूरी कॉपी मिल जा रही है तो फिर किस बात का है वो। अच्छा नेक्स्ट कुछ FAQs हैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंटली जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है भाई, हाउ कैन आई डिसेबल अ रिपल वगैरह, ये तो अभी जब हम करेंगे तो फिर ये सवाल आएंगे ना, अब हम डायरेक्टली मूव कर जाते हैं कहाँ पे, ये हम गेटिंग स्टार्टेड वाले सेक्शन में घूम रहे थे, सही है, अब हम डायरेक्ट अगले सेक्शन में आ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है, अब कंपोनेंट्स में सबसे पहला हमारे पास ऑटो कम्प्लीट है, ठीक, अभी पूरी लिस्ट है कंपोनेंट्स की, बटन्स हैं, बटन्स में आप देखें यहाँ पे इन्होंने 3 तरह के बटन बनाकर बताए हुए हैं, बेसिक इसका यूजेज, कोड इसका कैसे होगा वो बताया हुआ है यहाँ पे, अब नीचे ना इन्होंने इसके एट्रीब्यूट्स या इसकी कस्टमाइजेशन की पूरी लिस्ट बताई हुई होगी, ठीक है, आ जाओ नीचे, ठीक है, ऑन क्लिक इस पर कैसे लगेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे नॉर्मली लगता है, ठीक है, कलर्स इसमें कैसे चेंज होंगे, कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं, लेकिन अल्टीमेटली नीचे ना सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन हुए हैं, ठीक है, कलर सेकेंडरी और ये कलर सक्सेस और वेरिएंट, तो हमने अभी तक 2 इसके प्रॉप्स देख लिए हैं, एक कलर और एक वेरिएंट, है ना, एक बटन में 2 प्रॉप्स हमने अभी तक देख लिया कि लग सकता है। अच्छा साइजेस क्या हो सकते हैं इसके, स्मॉल मीडियम लार्ज, इसका भी कोड देख लेते हैं कि साइजेस का कोड क्या है, साइज भी करके एक एट्रीब्यूट है या प्रॉप कह लो उसको, प्रॉप एक्चुअली तो एट्रीब्यूट तो नहीं है, अब ये कितने एट्रीब्यूट हो सकते हैं, बटन विद आइकन अगर करना है तो वो कैसे होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, बटन वेरिएंट लगाया और साथ में एंड आइकन लगाया और एंड आइकन में वो आइकन लगा, अच्छा ये आइकन भी इम्पोर्ट होगा ऊपर, राइट, फुल कोड जब मैं देखूंगा तो उसमें मुझे दिख रहा होगा, यहाँ पे ना मैं इस कोड को ऐसे करके क्लिक करने से फुल कोड खुल जाता है, इसके पड़ोस में जो है ये सैंड बॉक्स है, इस पर मैं क्लिक करूंगा ना नए टैब में ये मुझे सैंड बॉक्स खोल के दे देगा, ये पूरा चलता हुआ कोड है, ठीक है, रिएक्ट की एक ऐप है जिसमें सिर्फ एक ही बटन लगा हुआ है ये वाला, सही है, तो अब आप देखें इसके अंदर कि डिलीट आइकन ना इन्होंने इम्पोर्ट किया हुआ है, ठीक है, तो कभी भी कोई समझ ना आया कि यार ये इन्होंने तो लगाया हुआ डिलीट, ये मेरे पास लग रहा नहीं है, तो आपने हमेशा क्या करना है, फिर ये फुल कोड ओपन कर लेना है, ये इतना ज़्यादा इन्होंने आसानी कर दी है ना कि इसमें मेरा ख्याल है कोई एक्सक्यूज़ की गुंजाइश नहीं छोड़ी इन्होंने कि भाई ये कैसे लगेगा, कोड भी बता दिया और पूरी पूरी ऐप बना कर दे दी अलग से, ठीक है, तो ये डिलीट का आइकन और सेंड आइकन ये दोनों इन्होंने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, अच्छा और स्टैक नाम का एक कंपोनेंट है, डिव की जगह पे स्टैक इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टैक बनाया और ये दूसरा स्टैक बनाया है, ठीक है, डिव बनाते हैं ना उसकी जगह स्टैक है, उसमें क्या है, स्टैक असल में बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स बॉक्स होता है, ठीक है, डायरेक्शन रो कर दी इसने तो डायरेक्शन पता चल गई, स्पेसिंग का मतलब है कि दोनों साइड से फासला कितना ले, वो स्पेसिंग बता दी तो थोड़ा थोड़ा वो फासला ले लेगा अपने,
ठीक है। अभी ये स्टैक क्या चीज़ होता है और स्पेसिंग क्या होती है, इसी डॉक्यूमेंट में आगे डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है, तो वो आपको पढ़ना होगा, ठीक है जी। सिर्फ आइकन का बटन, वो भी यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसा वाला बटन चाहिए आपको, आइकन वाला सिर्फ, कलर के साथ, ठीक है। और उसके अलावा जो कस्टमाइजेशन है, अबे जल्दी भाई, ये तो बहुत लंबा कर दिया इन्होंने, ठीक है। बटन पे लोडिंग लगा हुआ हो, स्विच वाले बटन हो, बटन को इनेबल डिसेबल करना हो, पूरा फॉर्म भी बना के दिखाया हुआ है यहाँ, ठीक है। अच्छा, ये इस पेज पे इन्होंने नहीं रखा, जो चीज़ मैं वो कर रहा था ना, सोच रहा था, वो इन्होंने अलग से बना दिया। ये API है, बटन की API, सही है। अब ये API से कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये असल में बटन पे क्या क्या पॉसिबल प्रॉप्स हो सकते हैं ना, वो इस डॉक्यूमेंट पे बताया हुआ है। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट अभी हम देख रहे थे, ये गाइड है एक तरह की, कि यार ऐसे ऐसे कर लो, कोड एग्जाम्पल के साथ है। लेकिन ये वाला क्या है, अभी मैं इस दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा ना, तो दिस इज़ API, कि इसमें क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं वो बताया इसने। प्रॉप्स में क्या हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, क्लासेस हो सकती हैं, कलर हो सकता है, कलर की प्रॉप मतलब क्या क्या वैल्यू है पॉसिबल, वो ये बता दी इन्होंने। डिफ़ॉल्ट पे प्राइमरी है, उसके अलावा ये सारा दे सकते हैं आप, ठीक है। कोई कंपोनेंट भी दे सकते हैं आप एज अ प्रॉप, उसको डिसेबल कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स, तो वो डिसेबल हो जाएगा। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी हो सकती थी ना, एंड आइकन क्या चीज़ है, एंड आइकन क्या है कि एलिमेंट प्लेस आफ्टर द चाइल्ड, कि एंड आइकन का मतलब है कि जो भी बटन होगा आपका, उसके लास्ट में आपको वो नज़र आ रहा होगा आइकन। आपने यहाँ पे देखा एंड आइकन और स्टार्ट आइकन का डिफरेंस क्या है, स्टार्ट आइकन में आइकन पहले आएगा, टेक्स्ट बाद में आएगा, ठीक है। इसी तरह SX करके आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है ना पूरा वो पास कर सकते हैं, द सिस्टम प्रॉप अलाउ यू टू डिफाइन द CSS, ठीक है। SX करके, S स्टैंड फॉर स्टाइल और X का पता नहीं क्या मतलब है, तो इसमें ना आप ऑब्जेक्ट दे सकते हैं उसको स्टाइलिंग करने के लिए, ठीक है। नॉर्मल कंपोनेंट में हमें स्टाइल करके वो डबल डबल लगाना होता है, इसमें सिर्फ SX करके सिंगल आप देंगे ऑब्जेक्ट, तो वो समझ आ जाता है उसको। वेरिएंट हम देख चुके हैं, ये चार वेरिएंट है, तो हर कंपोनेंट का जो है ना, अच्छा अब CSS में क्या क्या लग सकता है इसके ऊपर, ठीक है। वैसे तो CSS कंपोनेंट पे जो जो लगती है वही लगेगी इस पे, लेकिन क्या क्या लग सकता है और उसके ग्लोबल क्लासेस क्या है, वो भी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। कि टेक्स्ट सक्सेस जो है वो ऐसे करके आप पास करेंगे तो वो लग जाता है, आउटलाइंड किस पे क्या, मतलब पूरा डिटेल इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। अच्छा, ये वार्निंग जो जो CSS पे इन्होंने किया हुआ है ना, वो सब इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि उसके लिए रूल कौन सा अप्लाई किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप किसी बटन को अगर डिसेबल करते हैं तो उस पे इन्होंने रूल कौन सा लगाया हुआ है, कहाँ गया डिसेबल वाला, मिसाल के तौर पे अगर आपने बटन का टेक्स्ट चेंज करना है तो रूल नेम उस पे लगा हुआ है टेक्स्ट, और जो क्लास है उसकी वो ये है। अगर तमाम बटन के टेक्स्ट को चेंज करना है तो आप ये क्लास लगा के उस पर कलर चेंज करेंगे, तमाम बटन का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन आमतौर पर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें ना, जो अभी हम ये थीम वाली चीज़ हमने अभी डिस्कस नहीं की, अभी इसमें एक थीम डिस्कस होगा, उसमें क्या होता है, हम 2 से 3 थीम शुरू में ही डिसाइड कर लेते हैं और हम शुरू में ही बता देते हैं कि तमाम बटन का कलर क्या होगा, ठीक है, प्राइमरी क्या होगा, सेकेंडरी क्या होगा, क्या, तो हम उसी में शुरू में ही बता देते हैं, हमें बार बार ये करना नहीं होता। बट ये हाँ, रूट पे हम बता देते हैं कि क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो वेल, अभी हमने पहला कंपोनेंट इस्तेमाल करना सीखा कि वो इस्तेमाल कैसे होगा। अच्छा, उसके अलावा चेक बॉक्स है, अब चेक बॉक्स देख लो कैसे इस्तेमाल होगा यहाँ पे। ये चेक बॉक्स की बेसिक यूजेज है, 4 चेक बॉक्सेस बनाए हुए इन्होंने यहाँ पे, और चेक बॉक्स ऐसे करके लगेगा। फुल कोड इसका देख लेते हैं हम, ठीक है, ये रहा चेक बॉक्स। अच्छा, लेबल जो है कुछ भी रख सकते हैं आप, इन्होंने लेबल थोड़ा सा अजीब तरीके से दिया है यहाँ पे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे करके दें लेबल, ठीक है, जो सिंपल तरीके से लेबल कहीं बताया इन्होंने देना, ठीक है। सिंपल तरीके से आप ऐसे भी लेबल दे सकते हैं, वो उसने किसी एरे से ना उठा के वो स्प्रेड विस्प्रेड मारा हुआ है, कन्फ्यूज ना होना उसकी वजह से, ठीक है। तो फॉर्म कंट्रोल करके इन्होंने पूरा बताया हुआ है इसमें, कि फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल लेबल और फॉर्म कंट्रोल, अब ये सारे सिमेंटिक्स हैं, ये आपको पता है लेबल क्या चीज़ होती है, इन्होंने खुद का बनाया हुआ है लेबल, तो अब जब इनका यूज़ कर रहे होंगे आप फ्रेमवर्क एंटायरली, तो फिर आपने लेबल ऐसे करके इस्तेमाल करना है, ठीक है। और यानी इस लेबल के अंदर इन्होंने चेकबॉक्स लगाया हुआ है,
उसमें क्या होता था, लेबल अलग होता था, चेकबॉक्स अलग होता था, और हम बताते थे कि फॉर इसके लिए है, इसमें इन्होंने इसके अंदर ही कर दिया। अच्छा, अल्टीमेटली इससे जो HTML जनरेट होगी वो वही होगी जो हम पहले HTML में लिखते थे, अलग अलग होगा लेबल और फॉर और फिर इनपुट होगा, बनेगा वही पीछे। लेकिन यहाँ पे आपकी आसानी के लिए कह लें या एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है उन्होंने। ठीक है जी, कलर के साथ लगाना है तो आप कैसे करके लगा सकते हैं, ऐसे करके लगा सकते हैं। इसने क्या किया, SX करके कलर बता दिया कि भाई पिंक होगा 800, सही है। अब ये पिंक 800 जो है ये क्या चीज़ है, ये भी इन्होंने इम्पोर्ट किया हुआ है। ठीक है, पिंक कलर जो है वो मटेरियल के कलर्स में से पिंक इन्होंने इम्पोर्ट किया हुआ है, क्योंकि पिंक ऐसा नहीं होता जैसा ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, पिंक डिफरेंट होता है, तो इन्होंने एक ख़ुद का पिंक बनाया हुआ है कि मटेरियल वे में अगर पिंक कलर यूज़ करना है तो ये वाला शेड होगा। अच्छा, पिंक के भी फिर डिफरेंट शेड्स हैं कि पिंक 300, 600, 800। अब वो जहाँ पे कलर की डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसी में आगे कलर की भी एक डॉक्यूमेंटेशन है पूरी कि कलर कैसे इम्पोर्ट करते हैं, कैसे लगता है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इनका इम्पोर्ट करें, आप सिंपली जो हैश वैल्यू होती है ना कलर की, वो भी आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कलर इनका ही आपने यूज़ करना है, वेल इनका यूज़ करें तो बेहतर है। ठीक है, तो ये कैसे कैसे चेकबॉक्स हो सकते हैं, दिल वाले ऐसे मार्क वाले, वो सब इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल बना के दिखा दिए। तो आपने कोई भी, मतलब डिज़ाइनर आपको जो डॉक्यूमेंट देगा ना कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो आप जस्ट देखेंगे, अच्छा दिल वाला चेकबॉक्स है, यहाँ पे आके आपने उसको उठा लेना। अच्छा, मतलब दिल वाले चेकबॉक्स का मतलब ये है कि अगर आप इसका फुल कोड देखें ना, तो ये दिल इन्होंने कहाँ से मंगवाया है, फेवरेट इन्होंने ना बॉर्डर करके मटेरियल आइकन से मंगवाया है, तो इसका मतलब है अगर आप दिल वाला बनाना सीख गए तो किसी भी आइकन पे बनाना सीख जाएंगे आप। ठीक है, तो इन्होंने जस्ट यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे बोला इन्होंने चेकबॉक्स और आइकन करके वो आइकन का नाम बता दिया, और चेक आइकन करके ये दूसरा नाम बता दिया कि भाई एक बगैर वो वाला हो, फिल वाला, और एक फिल वाला हो, कि भाई जब तक चेक नहीं होता तो ये आइकन दिखे, चेक हो जाएगा तो ये आइकन दिखे, दैट्स इट। तो इसका मतलब है आप दुनिया के किसी भी आइकन पे इस तरह से लगा सकते हैं। तो ठीक हो गया जी, तो ये एक लंबी कहानी है, इसको कोशिश मेरी ये है कि आज की डेट में हम इसको कंप्लीट कर लें, इसका ओवरव्यू जो हमने लेना है। और अच्छा, फिर उसके बाद देखें आप ये स्लाइड्स हैं। ठीक है, स्लाइडर है, डिसेबल हुआ हुआ एक। ठीक है, सेलेक्ट बॉक्स है, सेलेक्ट बॉक्स यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू जिसको आप कह सकते हैं। रेटिंग का एक कंपोनेंट है, ये आमतौर पर उसमें नहीं होता है, जो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है रिएक्ट के उसमें ये वाला कंपोनेंट मौजूद नहीं होता, ये इन्होंने एडिशनल कुछ दिए हुए हैं। रेडियो बटन्स यहाँ पे बताए हुए हैं इन्होंने। ठीक है जी, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये जो नीचे ऐड का बटन आता है ना, वो फ्लोट होके कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। ठीक है, स्क्रीन जैसे यहाँ पे ये देखो, ये वाला बटन जो है, हाँ ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है। ठीक है, ये पेज के साथ साथ मूव नहीं हो रहा है, तो ये फ्लोटिंग एक्शन बटन में ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्होंने करके भी बताया हुआ है। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है, ये चेंज हो रहा है तो ये साथ साथ बटन भी चेंज हो रहा है। वेल, स्विचेस हैं, स्विचेस इस तरह के बटन को कहते हैं। टेक्स्ट फील्ड्स कैसी कैसी हो सकती हैं, ऐसी 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 टेक्स्ट फील्ड भी कई तरह की हो सकती हैं इसमें। ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं टेक्स्ट फील्ड की सारी यहाँ पे मौजूद हैं। ट्रांसफ़र लिस्ट, ठीक है, एक को लिस्ट को दूसरे में ट्रांसफ़र करना है, चेक लगाया ट्रांसफ़र दबाया, चेक लगाया ट्रांसफ़र दबाया, ये भी कोई नया मंजन है, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इसमें। अच्छा, ये कंटिन्यूसली इसमें चीज़ें ऐड कर रहे हैं भाई, दबे सही है, कंटिन्यूसली ना इसमें चीज़ें ऐड हो रही हैं। एक ट्री करके है, वो अभी भी इसमें नहीं आ रहा, वो बीटा में मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था ना, तो वो बीटा में था। अच्छा ठीक है, टॉगल बटन्स के बटन एक दफ़ा दबाएंगे तो इनेबल होगा, दूसरी दफ़ा में वो वापस डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉगल बटन भी पहले मैंने नहीं देखा इसमें, ये पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, किसी भी तरह के आप टॉगल बटन बना सकते हैं, चेक लगा दिया और चेक हटा दिया। ठीक है, ये चेक बॉक्स से मुख्तलिफ है, क्योंकि चेक बॉक्स में तीन है ना, तो किसी एक पे चेक लगाते हैं आप, नहीं यार चेक बॉक्स वाला ही काम हो रहा है इसमें, चेक बॉक्स से मुख्तलिफ कैसे है ये, मल्टीपल टाइम पे एक ही चेक करेंगे। नहीं देखो, ये रेडियो बटन वाला काम हो गया कि एक वक्त में एक, और यहाँ पे चेक बॉक्स वाला काम हो गया, तीनों इनेबल है, एक डिसेबल है, दोबारा इनेबल हो गया, इनेबल हुआ, तो काम चेकबॉक्स वाला ही हो रहा है इसमें एक्चुअली, बट इसका नाम टॉगल बटन क्यों रखा है इन्होंने, आई एम नॉट श्योर। वेल, अच्छा कंपोनेंट्स को भी इन्होंने ना दो तीन हिस्सों में बांटा हुआ है। एक इन्होंने इनपुट के कंपोनेंट्स यहाँ पे बताए, जो हमने अभी तक देखे ना वो इनपुट के थे सारे, ये सारे वाले। उसके बाद डेटा डिस्प्ले के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें अवाटार है, बैज है, चिप है, डिवाइडर है। ठीक है, अवाटार आपको पता है ये इस तरह का होता है,
ठीक है, डिफरेंट तरह के अवतार की एग्जांपल्स यहाँ पे सारी इन्होंने मेंशन की हुई है। बैजेस जो है वो क्या होते हैं, इस तरह की चीज़ को हम बैज कहते हैं, ये लाल ब्लू किसी भी कलर में हो सकता है, ठीक है ना। डिफरेंट बैजेस की जो एग्जांपल है वो इन्होंने बना के बताई हुई है। सबका कोड यहाँ लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। बैज का कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पे बैज का कंपोनेंट ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, और बीच में जो आइकन था वो आइकन है यहाँ पे। कलर सेकेंडरी है, बैज का कंटेंट 99, तो 99 यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें 100 है उसमें 100 लिखा हुआ है। 99 प्लस क्यों लिखा हुआ है यार? अच्छा मैक्स भी इसमें बताना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स जो है वो शायद 99 है, ठीक है, तो इसलिए 100 लिखा तो 99 प्लस प्लस आ गया यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम मैंने कहा भाई 999 होगा, तो यहाँ 1000 लिखा तो ये यहाँ तक जा रहा है। वेल, तो इसको आप प्ले अराउंड करेंगे ऑब्वियसली, इसीलिए इन्होंने ये बनाकर दिया हुआ है। डॉट बैज भी हो सकता है, अवतार के साथ भी बैज हो सकता है, ओवरलैप कर रहे हो जो, ठीक है। चिप्स हो सकती हैं, चिप्स वेरी वेरी गुड। ये चिप्स आमतौर पर किस में होती हैं, जहाँ पर टैग्स वगैरह आप ऐड कर रहे होते हैं वहाँ पर होती है, ठीक है। आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, तो चिप में कन्वर्ट हो जाता है ये। सही है, ऐसी भी चिप्स हो सकती हैं अवतार के साथ, आइकन के साथ। सही है जी, चिप। अब यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा प्लेग्राउंड बनाया है कि भाई फील्ड वाली चिप चाहिए या आउटलाइंड वाली चाहिए, ये ऊपर उसका आउटपुट दिख रहा है आपको। मैंने कहा फील्ड वाली तो फील्ड, आउटलाइन वाली तो आउटलाइन। कलर क्या हो, डिफ़ॉल्ट हो या प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या एरर हो या इन्फो हो, ठीक है। एरर किया मैंने और फील्ड किया तो देखो ये रेड हो गया पूरा। सक्सेस हो या वार्निंग हो, ठीक है। साइज़ क्या हो, स्मॉल हो या मीडियम हो, ठीक है। अवतार क्या हो, उसमें लेटर हो अवतार का या इमेज हो अवतार की, ठीक है। तो ये इन्होंने एक प्लेग्राउंड बना दिया जिसमें क्या क्या, और नीचे कोड भी आपके पास आ रहा है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है कोड एक्चुअली, ठीक है। कस्टम बोले तो कस्टम में अपना फंक्शन बना रहे हैं, ऑन डिलीट पे क्या होना चाहिए अपना फंक्शन बना के देंगे आप, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि भाई चिप का कंपोनेंट जो वो क्या क्या कर रहा है। चिप आपको पता है ना, टैग्स बन के आते हैं, उसमें क्रॉस का निशान होता है, तो आप क्रॉस का बटन प्रेस करें तो क्या हो उसके ऊपर, तो अपना फंक्शन लगा दें, ठीक है। ऑन डिलीट जो है वो क्या हो, डिफ़ॉल्ट हो कि भाई डिलीट करने पर गायब हो जाए, या नन हो, नन से वो बटन ही गायब हो जा रहा है, वो फिक्स हो जाएगा, नहीं डिलीट नहीं होगा, ठीक है। कस्टम पे इन्होंने कोई ख़ुद का आइकन लगाया हुआ है। अच्छा जी, डिवाइडर कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, HR की तरह होता है ये, देख रहे हो डिवाइडर है ये, HR जो हम लगाते थे। आइकन्स हम देख चुके हैं सब जगह लगाते हैं, ये इस तरह करके इंस्टॉल होता है, ठीक है, ऐसे करके इम्पोर्ट होता है, ठीक हो गया जी, और ऐसे करके ये लगता है। सही है, डिलीट आइकन ये डायरेक्ट इसके नाम से भी लगा सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, डायरेक्ट इसके नाम से भी अटैच कर सकते हैं। जैसे ये होम आइकन है, नाम से इसको इस्तेमाल किया हुआ है, जिस नाम से इंपोर्ट किया है, कहाँ गया होम आइकन, ये पता नहीं क्या किया हुआ है उन्होंने। कंपोनेंट प्रॉप, कंपोनेंट प्रॉप क्रिएट SVG आइकन। अभी जब डायरेक्ट नाम से होता है तो फिर क्या वो पड़ी है। अच्छा कह रहे हैं कि भाई मटेरियल इसमें ना आप तीन तरह के आइकन लगा सकते हैं। नंबर एक तो स्टैंडर्ड है जो इनका मटेरियल आइकन खुद का है, वो आप लगा सकते हैं। नंबर दो SVG आइकन करके ना एक चीज़ है कोई, वो भी आप लगा सकते हैं। और नंबर थ्री आइकन कंपोनेंट्स जो भी होते हैं ना वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मटेरियल आइकन को देख लेते हैं। मटेरियल आइकन क्या है, इनकी अपनी एक वेबसाइट है, अलग से है, अलग से तो खैर क्या है, ये यही वाला ही है, खुद का ही है इनका, जिसमें तमाम आइकन जो है ना मटेरियल में, जो उसकी एक लिस्ट बनी हुई है। यार ये तो वही पेज खोल दिया इसने दोबारा। हाँ ये रहा, सर्च द फुल लिस्ट ऑफ दोज आइकन्स, ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे ना मटेरियल के जितने भी आइकन है ना, कोई भी नाम बोलो, 2000 आइकन है इसके अंदर। कोई चीज़ का आइकन का नाम बताओ, मेल, मेल लिखा मैंने, ये मेल के सारे रिलेटेड आइकन्स आ गए,
ठीक है। शेयर लिखा मैंने, ये शेयर के आइकन सारे आ गए। सर फेसबुक वाला नहीं आ रहा था? नहीं, ये तो मटेरियल वाला होगा ना इसमें। मटेरियल आइकन्स के अंदर जो जो है ना वो होंगे इसमें, क्योंकि ये मटेरियल डिज़ाइन को फॉलो करता है। ठीक है, ये आइकन्स आ गए, मूड्स आ गए। ठीक है, स्टार लिखा मैंने तो ये स्टार्स आ गए, आधा स्टार, पूरा स्टार, छोटा स्टार, बड़ा स्टार, सब आ गया। सही है, फेस, ये फेसेस आ गए। तो ये 2000 आइकन्स हैं। अब इसमें ये फिल्ड भी हैं, राउंडेड भी हैं, टू टोन वाले भी हैं, शार्प वाले भी हैं, ये अलग अलग इसकी जो है वो वेरिएंट्स हैं इसके। वेल, तो इसको मैंने बंद किया तो ना इसने बोला कि भाई ये तीन तरीके हैं। पहला तो है मटेरियल आइकन, वो आपको इधर पता चल गया ऐसे इंस्टॉल होता है, और ये इंस्टॉलेशन गाइड भी इसकी है, यूजेज यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई ऐसे करके ये इम्पोर्ट होता है, ऐसे करके लगता है। ये हो गया कोड, अच्छा यहाँ पे इसका कोड है, यहाँ पे कोड है, देखो ऐसे इम्पोर्ट किया हुआ, उसी नाम से इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ पे आगे ना SVG आइकन, ये एक दूसरा तरीका है। अब जब एक तरीका है तो दूसरे की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप चाहें तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें रहते हुए सारे काम हो जाते हैं इनके जो खुद के आइकन है। अच्छा जी, लिस्ट, ठीक है, जो ULLI करके हम लिस्ट बनाते थे, काइंड ऑफ दैट। टेबल्स कैसी हो सकती हैं, उनका कोड ये रहा टेबल का, ठीक है। इनका जो टेबल स्टार्ट होता है वो कैसे होता है, टेबल कंटेनर, टेबल और टेबल हेड, टेबल रो, है ना, THTR इन्होंने पूरा पूरा लिख दिया। सही है, HTML में पढ़ा था ना, TH होता था, TR होता था, टेबल सेल, टेबल सेल को क्या कहते थे, टेबल डेटा कहते थे HTML में। इन्होंने प्रॉपर इसका जो है ना टेबल सेल ही नाम रख दिया पूरा पूरा, ठीक है। फिर टेबल बॉडी पूरा रख दिया नाम, तो कुछ इस तरह की बन के आएगी टेबल हमारे पास। चेक बॉक्सेस चाहिए। टूल टिप, टूल टिप क्या होता है कि किसी चीज़ पर जब हाथ रखते हैं ना तो छोटा सा नीचे बना हुआ आता है, ये टूल टिप भी मौजूद है हमारे पास, ठीक है। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी क्या होता है कि जो लिखी हुई चीज़ होती है ना उसको टाइपोग्राफी कहते हैं, लिखी हुई चीज़ की जो स्टाइलिंग जितनी भी होती है वो टाइपोग्राफी है। अब टाइपोग्राफी ये कैसे करते हैं, इनका एक कंपोनेंट है टाइपोग्राफी करके, उसमें वेरिएंट क्या बनाना चाहते हैं, H1 जैसा बनाना चाहते हैं वो लिखेंगे आप, और अंदर वो बात लिख देंगे, ठीक है। H2 बनाना चाहते हैं ऐसे अंदर करके लिख देंगे। अच्छा, H1 H2 भी लिख सकते थे सिंपली, लेकिन इन्होंने बोला नहीं इतना आसान क्यों, हम ये बनाएंगे जिसमें लंबा कोड लिखना पड़े आप। सही है। वेल, इसका बहुत सारी जगहों पे आपको बेनिफिट भी होता है। बेनिफिट इसलिए होता है ना क्योंकि वेरिएंट H1 तो लिखा है इसने, लेकिन मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि ना इस H1 को आप बनाओ स्पैन के ज़रिए, या इस H1 को बनाओ आप डिव के ज़रिए, या इस H1 को बनाओ आप H1 के टैग के ज़रिए, ये मेरे पास कंट्रोल आ जाता है। सही है, यहाँ पे इन्होंने कहीं ना कहीं ये जिक्र किया हुआ होगा कि जो है ना मैं H1 बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये क्या क्या वेरिएंट है, H से लेके 6 तक है, Subtitle 1, Subtitle 2, Body 1, Body 2, ठीक है, बटन, कैप्शन और ओवरलाइन, ये सारे इसके वेरिएंट्स हैं। लेकिन ये बनेगा किससे वो भी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ होगा। मिसाल के तौर पर मैं H1 बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन H1 के कंपोनेंट से नहीं आइए रहा, देखो वेरिएंट H1 बनाना है मुझे, लेकिन कंपोनेंट इस्तेमाल करना है H2 का। ये SEO के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये काम, ठीक है, क्योंकि SEO में ना जैसे जैसे हेडिंग के नंबर्स होते हैं ना, वैसे वैसे ही उसका जो प्रेसिडेंस भी वैसे वैसे ही होती है। क्या कर दिया, कहाँ चला गया मैं, ये रहा, तो प्रेसिडेंस भी वैसे वैसे ही होती है। मिसाल के तौर पर कोई टेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ कि बड़ा करके दिखाऊँ मैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट है ना SEO इसको प्रायोरिटी ना दे। मिसाल के तौर पे मैंने ब्लॉगिंग की साइट बनाई हुई है, अब ब्लॉगिंग की साइट में जो ब्लॉग का जो टाइटल है वो तो मैं ये चाहूँगा कि SEO पकड़े उसको, ताकि कोई गूगल पे डायरेक्ट भी टाइटल लिखे तो मेरा जो ब्लॉग है वो आ जाए। लेकिन अगर उस ब्लॉग के दरमियान में कहीं पर मुझे कोई चीज़ बड़ी करके दिखानी है, कोई कोट दिखाना है, या कोई ऐसी हेडिंग है जो सब हेडिंग है, तो मैं उसको चाहूँगा कि यार ये H1 से ना बने, ताकि SEO उससे कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। या मिसाल के तौर पे कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अब उसमें क्या होता है कि आपका जो बॉक्स, जो कार्ड बना हुआ होता है उसमें नाम आप चाहते हैं बड़ा बड़ा लिखा हुआ है किसी भी वजह से, तो आप उसमें H1 इस्तेमाल करेंगे ना तो वो कन्फ्यूज़ करेगा फिर SEO को। तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये वाला मैं कहूँगा स्पेन से बनाओ इसको, बिल्कुल कम प्रेसिडेंस, ठीक है, या पैराग्राफ से बनाओ इसको, कंपोनेंट इसका कुछ और रखो। तो या मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है ना कोई ऐसी चीज़ है
जैसे air.sysborg जैसी एक वेबसाइट है, अब वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी कुछ भी ला के रखता है, सेव करता है टेम्प्रोरीली। अब टेम्प्रोरीली मैं चाह रहा हूँ अगर उसके अंदर, अभी तो होता है ना उसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है, उसमें URL भी हो सकता है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन वाली कोई चीज़ रखाऊँ, तो उसका जो टाइटल है फिर वो मैं H1 नहीं, एच रखूँगा ही नहीं उसका मैं, टाइटल बड़ा दिखेगा वो बट एच से नहीं होगा, वो किसी और कंपोनेंट से रखूँगा मैं, स्पैन से या डिव से रखूँगा, ताकि जब SEO आए ना तो वो उस टाइटल को, मिसाल के तौर पे किसी ने हॉस्पिटल हॉस्पिटल लिख दिया टाइटल में बहुत सारा, अब SEO का जब आएगा ना क्रॉलर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो, तो वो उस हॉस्पिटल हॉस्पिटल को देख के ये ना समझे कि मेरी वेबसाइट हॉस्पिटल की है, समझ लो। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, उसमें बड़ा करके तो दिखाऊँगा बट उसको H1 से नहीं करूँगा। अगर मेरे पास ये वाला अप्रोच नहीं होगी तो फिर मैं ये काम कैसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा कि मैं पहले डिव लगाऊँगा वहाँ पे, फिर डिव पे एक स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा, वो कहानी घूम फिर के इतनी हो जाती है कि ये शॉर्ट हो जाता है फिर, यानी ये वाला जो तरीका है फिर ये शॉर्ट लगने लगता है, वो उसमें कहानी इतनी लंबी हो जाती है। ये HTML की जो बुक है उसमें भी जिक्र किया हुआ है कि ये काम कैसे किया जाता है, वेल वो बुक हमने पढ़ी नहीं है, हमने HTML का जस्ट ओवरव्यू लिया है। अच्छा, अब ये फीडबैक में अलर्ट है, बैकड्रॉप्स हैं, सही है, बैकड्रॉप ये होता है कि भाई लोड होगा पूरी स्क्रीन को डिम कर देगा, ठीक है। स्नैक बार है, स्नैक बार ये होता है कि क्लिक करूँगा तो यहाँ साइड पे स्नैक बार दिखेगा, ठीक है। स्केलेटन्स हैं, जो जो आपको चीज़ें एक जदीद वेबसाइट में जो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही ना वो सब आपको यहाँ नज़र आ जाएगी, सही, सारे कंपोनेंट जो जदीद एक वेब ऐप बनाने के लिए ज़रूरत है उसकी, वो सब यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट मिलेंगे। ऐप बार इन्होंने बना बना के रखा हुआ है, टॉप पे जो दिखता है एक पट्टी, आपने देखा होगा जीमेल वगैरह पे इसी तरह का ऐप बार बनाया हुआ होता है इन्होंने, इवन तो इन्होंने अपने पास भी इसी तरह का बनाया हुआ है, देख रहे हो साइड पर 3 बटन है, सर्च बार है, तो कुछ इसी तरह का इन्होंने खुद का भी इस अपनी वेबसाइट पर भी इसी तरह का ऐप बार बना हुआ है, ठीक है। कार्ड्स हैं, कार्ड्स ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, पिक्चर के साथ पेपर, ठीक है, पेपर इज एक्चुअली डिव, डिव जिसका बैकग्राउंड वाइट है थोड़ा सा शेडो है, ठीक है। ये पेपर ही असल में शुरू हुआ था, मटेरियल डिज़ाइन का जो मेन आइडियोलॉजी थी ना वो ये थी पेपर, कि एक पेपर दूसरे के नीचे कैसे फील कराया जाए, तो वो शेडो के ज़रिए इस चीज़ को अचीव किया था उन्होंने, तो ये एक्चुअली वो इट्स द वेरी ओरिजिन ऑफ दिस डिज़ाइन सिस्टम। देख रहे हो ऊपर वाले बटन ना, एलिवेशन इसकी थोड़ी कम लग रही है, नीचे वालों की एलिवेशन थोड़ी ज़्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है वो स्क्रीन से उठ के बाहर आया हुआ, तो इन्होंने 3D को ख़त्म करके ना ये एलिवेशन वाली अप्रोच की थी इन्होंने। इसमें भी देखो एलिवेशन में फ़र्क फील हो रहा है, वाइट वाली में खैर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ब्लैक में कम हो रहा है थोड़ा, ठीक है। तो ऐसे किसी चीज़ को अगर एलिवेट करना है पूरे पेज पर तो आप इस तरह करके कर सकते हैं। तो ये पेपर के नाम से चीज़ है, आपको वाइट पेपर दिखाना है, जैसे मिसाल के तौर पर ब्लॉग्स वगैरह कुछ हैं अगर, तो आप उसको पेपर बनाते हैं उसके ऊपर प्रिंट मारते हैं उसको। नेविगेशन, अब तो यार इतनी सारी चीज़ें हैं कि इसमें क्या क्या बताऊँ मैं, पेजिनेशन के लिए जो लास्ट में लगाते हैं ना पेज के बिल्कुल बॉटम पे, अलग अलग पेजिनेशन के कंपोनेंट्स हैं बने हुए, अगर ये नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं डिव के ज़रिए खुद ही बनाता बैठ के, CSS लिखता रहता बैठ के, तो टाइम काफ़ी बच जाता है, इससे हमें पता चला। स्पीड डायल, यू नो, स्टेपर के भाई नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश, ठीक है। टैब्स के भाई item 1 item 2 item 3, एक ही पेज पे मुझे 3 टैब्स दिखाने हैं अगर वो चीज़ मौजूद है, ठीक है। अब ये अब बहुत लंबी लिस्ट है, हम आगे बढ़ते हैं इससे, हाँ, लेकिन ये स्पेशली रिएक्ट के लिए बना हुआ है, बगैर रिएक्ट के ये चलेगा भी नहीं, रिएक्ट के साथ ही चलेगा। बूटस्ट्रैप जो वो एक जनरल CSS फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये रिएक्ट के लिए बना है स्पेशल। अच्छा, अगर आप रिएक्ट नहीं है आपके पास फिर भी आप मटेरियल UI यूज़ करना चाहते हैं तो उसके अब दूसरे तरीके होंगे, कोई ना कोई ऐसी लाइब्रेरी लिखी गई होगी जो बगैर रिएक्ट के चल जाए। वेल, प्लेन CSS से कोई भी ऐप बनती नहीं है पहली बात, तो वो या तो रिएक्ट पे होगी या किसी ना किसी फ्रेमवर्क पे, तो हर फ्रेमवर्क के साथ उसका स्टाइलिंग फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। जैसे एंगुलर था तो एंगुलर मटेरियल था, रिएक्ट है तो मटेरियल UI है उसके साथ। क्या क्या नाम बताया तुमने? ARN ANT। अच्छा, ANT, आंट डिज़ाइन, ये मैंने नाम नहीं सुना यार। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर, क्या इसने लिखा था, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर,
अच्छा वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलर रिएक्ट यूआई। अच्छा रिएक्ट के लिए इन्होंने जो बनाया है फर्स्ट वही है मटेरियल यूआई है। हाउ आंट इज डिफरेंट देन अच्छा इन्होंने खुद के कंपोनेंट्स बना दिए ना सारे, अपना डिज़ाइन गाइडलाइन है इनका। देखो उसमें ना डेट ऐसा नहीं था, गोल मटोल नहीं था, थोड़ा डिफरेंट था। इन्होंने वही सारी चीज़ें खुद की बना दी हैं अपनी, बटन वटन सारे, कैसा लोडिंग होगा, टाइपोग्राफी कैसी होगी, है ना, डिज़ाइन गाइड। ये कलर्स इन्होंने सोचा है कि भाई ये कलर्स होने चाहिए। लेट्स सी हाउ पीपल लाइक इट। आइकन भी इन्होंने खुद के बना दिए, ये मटेरियल वाले से डिफरेंट है ये आइकन। अब आइकन की एक ना एक आइकन का एक थीम होता है कि ये आइकन होगा कैसा। ये देख रहे हो ये इस स्केल पे आइकन बनता है। ये मटेरियल वाले पे भी आइकन के ये सारे स्केल बने हुए हैं। क्या डू एंड डू नॉट्स भी इन्होंने बताया हुआ है कि क्या है। ये एक नया ही डिज़ाइन है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि मटेरियल डिज़ाइन इज़ नॉट द ओनली डिज़ाइन, बहुत सारे हैं, आर्ट भी है और भी बहुत सारे हैं जो पहले चलते थे 3D वाले हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ नए फ्लायर्स वगैरह आ रहे हैं, उसमें 3D के तरह का आ रहा है, 3D डिज़ाइन। और वो क्या है, कैनवा लिखूंगा ना तो वो फ़ौरन लोग बड़ा कैनवा पे आजकल वो बना बना के डाल रहे हैं। ये इस तरह का एक डिज़ाइन आजकल बड़ा चल रहा है। ये अभी तक वेब की UI में तो नहीं आया है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आ जाए, ठीक है। तो ये एक नए तरह का एक बिल्कुल डिज़ाइन है। अब देखिए बहुत लोग इसको ना यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो वेल ये डिज़ाइन की भाई दुनिया है बिल्कुल ही अलग है। अच्छा अच्छा ट्री व्यू ये रहा, बीटा से निकल के आ गया ये, इसमें देख रहे हो ट्री व्यू जो VS कोड के अंदर फाइल सिस्टम है वो एक्चुअली यही है, इसी तरह का एक कंपोनेंट है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखाना है अपनी UI पे तो यहाँ दिखा सकते हैं। अच्छा कंपोनेंट की API का भी अलग लिस्ट बना हुआ है, वही सारे कंपोनेंट जो ऊपर आपको एग्जांपल के साथ दिखे हुए थे उनकी तमाम की APIs हैं, ठीक है। ये तमाम की बॉक्स की बटन की API हम देख चुके हैं, ठीक है। ये बटन की API है कि क्या क्या प्रॉप्स पॉसिबली इसमें हो सकते हैं। अच्छा तो हम इससे भी अब आगे चलते हैं, कस्टमाइजेशन। अच्छा कस्टमाइजेशन अब जो मैं ज़्यादा वो करना चाह रहा हूँ ना, थीमिंग। अब हम थीमिंग को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि थीम कैसे सेट होगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई कस्टमाइज UI विद योर थीम, यू कैन चेंज द कलर और द टाइपोग्राफी एंड मच मोर। कि शुरू में ही ना आप थीम सेट कर देते हैं। अब जैसे इसमें प्राइमरी करने से ना वो ब्लू सा हो जाता है। अब मैं कह रहा हूँ नहीं यार ब्लू तो नहीं है मेरा प्राइमरी। अच्छा प्राइमरी सेकेंडरी पता है सब लोगों को क्या होता है बताओ। क्या लगता है कि क्या है ये प्राइमरी सेकेंडरी, व्हाट डज इट मीन? मेन कलर होता है, सही है। ये जो है ना ये 60-30-40-10 का ना रूल होता है, पता नहीं वो मैं भी भूल गया हूँ क्या रूल होता है। 6 स्टार्ट द जनरेटर, सही है। अब कहाँ आ गया मैं ये, वेल छोड़ो अलग से करते हैं। कलर पैलेट लिखूंगा ना मैं तो आ जाएगा। देखो आमतौर पे जो वेबसाइट के अंदर ना कलर इस्तेमाल होते हैं वो कलर ना इस तरह से बनाए जाते हैं कि यार कौन सा कलर होगा, ठीक है। एक कलर हंट करके वेबसाइट है, अभी मुझे याद आया, कलर हंट करके है, उसमें ना ये ऐसे ही करके दिखा रहे होते हैं। हाँ ये रहा। तो एक वेबसाइट में आमतौर पे 4 कलर्स होते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इन्होंने ना कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे, जैसे रेट्रो वेबसाइट कोई मुझे बनानी है तो ये उसके लिए कलर सजेस्ट कर रहा है कि यार ये कलर कोई लगा लो। तो इसमें ना देखो रेशो है, ये 40-30-20-10 ये होता है, ये पूरा 100 हो रहा है, 40-30-70-20 ना 40-30-20-10 का ये ना रेशो होता है जो डिज़ाइनर्स आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये रेशो हमेशा 40-30-20-10 हो,
ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 50-20-20-10 हो जाए, ठीक है, लेकिन टोटल 100 ही होगा ये, कि भाई कितने कलर आपके जो है ना वेबसाइट में इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कलर है, अब इस पर वो YouTube पे लोगों ने जो डिज़ाइनर्स होते हैं ना, उन्होंने वीडियोस बनाई होती हैं कि वो कलर कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये पूरा कलर की सिलेक्शन का एक प्रोसेस है। तो पहला जो कलर है उसको नाम दे देते हैं प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा, चारों के अलग अलग नाम होते हैं भाई। तो अब मेरी वेबसाइट में अगर मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ किस पे, किसी वेबसाइट पे चलते हैं, एप्पल की वेबसाइट पे चलते हैं, तो इनका जो प्राइमरी कलर है, सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ कलर, वो कौन सा है? ब्लैक है वो, ठीक है। सेकेंडरी कलर इनका जो है वो शायद ये वाइट, ठीक है। और तीसरा कलर इनका जो है वो ब्लू है, जो लिंक्स में इस्तेमाल हुआ है, सही है। और चलते हैं नीचे, इन्होंने असल में एक एक सेक्शन के वाइज बनाया है, फ़ोटो ये सारी सेक्शन में, तो टेक्स्ट बहुत कम है, फ़ोटो है काफ़ी ज़्यादा। तो लास्ट सेक्शन का पैलेट बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें जो प्राइमरी कलर है वो ग्रे है एक्चुअली, ठीक है। तो वेल, अभी थोड़ा सा मैंने एक ओवरव्यू दिया आपको कि व्हाट डज इट मीन बाय प्राइमरी कलर, ठीक है। प्राइमरी कलर वो कलर होता है जो आपने सोचा हुआ होता है पहले से, तो प्राइमरी सेकेंडरी का चक्कर ये होता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर ऐप में प्राइमरी कलर अलग होगा, है ना, एक जैसा थोड़ी होगा हर ऐप में प्राइमरी कलर, अलग अलग होगा। तो अब आप क्या करेंगे कि ऐसा कि भाई बटन पे तो जब भी आप लगाते हैं वो बोलता है ब्लू, तो यहाँ पे ये कहानी सेट होती है कि भाई शुरू में ही आप थीम लगा देते हैं, अपना थीम खुद का बनाते हैं कि मेरी थीम में प्राइमरी क्या होगा, मेरी थीम में सेकेंडरी क्या होगा। अच्छा, कैसे लगेगा ये डिज़ाइन? कह रहा है भाई डिज़ाइन का ना प्रोवाइडर होता है, ठीक है, हमें प्रोवाइडर पता है। रिएक्ट अभी हमने वो लगाया था जो रिएक्ट राउटर डॉम, उसमें वो प्रोवाइडर था ना, प्रोवाइडर रूट पे लगता है, सब जगह अवेलेबल हो जाता है। तो इसी तरह प्रोवाइडर लगेगा हमारे पास एक, ठीक है। अच्छा, क्या क्या कन्फिगरेबल है? पैलेट, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग, ब्रेक पॉइंट्स, इंडेक्स, जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स है ना कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा, और ट्रांजिशंस और कंपोनेंट्स, ये सारे कस्टमाइजेबल हैं। मिसाल के तौर पे एक इन्होंने थीम बनाई जिसके अंदर डेंजर को इन्होंने ऑरेंज कर दिया बजाय रेड होने के, डेंजर को इन्होंने क्या कर दिया, रेड के बजाय ऑरेंज कर दिया, ठीक है। और अभी इन्होंने मज़ीद भी एग्जांपल्स बताई भी होंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा थीम बनाया इन्होंने, एक फुल एग्जांपल हम देखना चाह रहे हैं इसमें कि क्या होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे करके हम इसको लगा रहे होंगे, थीम और थीम, यार ये क्या एग्जांपल बनाई है इन्होंने यार, अच्छा यहाँ पे एग्जांपल बता रहे हैं कि दो थीम भी हो सकती है एक ही वक्त में, लेकिन हम तो एक ही थीम की बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ये देखो पैलेट सेट करना बता रहा है कि भाई प्राइमरी कलर कौन सा होगा, सेकेंडरी कलर कौन सा होगा, ठीक है। पैलेट में चार कलर होते हैं या पांच या छह भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, आप अपनी मर्जी से भी कुछ ऐड कर सकते हैं, नए नए आप कहेंगे भाई मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्डरी, फोर्थरी कुछ भी आप नाम रखते रहे, तो जितने आप लिखेंगे फिर वही वही आप ऐड भी कर रहे होंगे, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ अ थीम, ये अभी मैं लगा के बताता हूँ किधर लगता है, मैं असल में नीचे तक देखना चाह रहा हूँ, इन्होंने कोई फुल एग्जांपल अगर दी है ना तो हम वो यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज हाँ ये इन्होंने देखो ये फुल एग्जांपल दी है, फुल एंड फाइनल एग्जांपल। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अपनी ऐप के इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, आपकी जो ऐप के इंडेक्स डॉट जे एस पे आप जाएंगे, क्या क्या खोला हुआ मैंने इस पर, मेरी रिएक्ट की ऐप के सोर्स में गया मैं और index.js में गया मैं, यहाँ पे आके मैंने ये काम करना है, जैसे मैंने ये इसको यहाँ पे ब्राउज़र राउटर दिया हुआ है ना, ऐसे करके मैं लगाऊंगा। मैंने बोला भाई थीम प्रोवाइडर उठाओ, ये थीम प्रोवाइडर उठा लिया मैंने, थीम प्रोवाइडर, क्रिएट थीम, ये दो चीज़ें मैंने उठा ली। अच्छा, ये आ रही कहाँ से? ये मटेरियल UI के अंदर से आ रही है जो मैं पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, अगर नहीं होता इंस्टॉल तो ये एरर दे देता। उसके बाद मैंने ये कहा था थीम तैयार की यहाँ पर, अभी इस थीम में सिर्फ एक कलर मैंने चेंज किया है, ठीक है, ये थीम मैंने तैयार कर ली। अब ये थीम तैयार करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने कहना है ऐसे करके कि थीम प्रोवाइडर
और उसके अंदर थीम, सही है, मैंने कहा कि यार थीम प्रोवाइडर और अपने पूरे के पूरे ऐप को उसमें मैंने रैप कर दिया। अब आप नोट करो, पहले रिस्ट्रिक्ट वो रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड जो कि यहाँ पे क्लोज है, फिर उसके बाद थीम प्रोवाइडर है, मेरा पूरा का पूरा जो ऐप है ना वो अब इसमें रैप हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ अब मेरे पूरे के पूरे ऐप में मुझे मिलेगी। अब वो मिलेगी कैसे वो अभी आगे देखते हैं हम। अच्छा, और ये जो मैंने थीम तैयार की थी ना इधर, वो मैंने इसको यहाँ पे बता दी कि भाई ये वाली थीम है। अच्छा, इसके अंदर प्राइमरी क्या है, रेड। अच्छा, रेड मैंने इम्पोर्ट नहीं किया, वो भी कर लेता हूँ। कलर डायरेक्ट लगा सकते हैं लेकिन फिलहाल हम इसको रेड बना देते हैं। ठीक है, ये रेड मैंने यहाँ से इम्पोर्ट कर लिया, मैंने कहा चलो भाई ये रेड आ गया। और तीसरी चीज़ क्या की है उन्होंने, रिएक्ट, रिएक्ट तो मेरे पास है। ठीक है, ये रिएक्ट ऊपर टॉप पे हुआ है, ठीक हो गया, देख बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब अगर मैं वापस आऊँगा अपने कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने जो बटन लगाया हुआ था, इस बटन का जो कलर था वो प्राइमरी था, ब्लू शो होता था ये, लेकिन अब ये क्या शो होने लग जाएगा, ऑरेंज। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके इंडेक्स पे बोल दूंगा कि प्राइमरी जो है वो क्या है, वो ग्रीन है, ग्रीन में स्ट्रिंग में दे देता हूँ इसको। अच्छा, इसको स्ट्रिंग नहीं चलेगा, अनसपोर्टेड कलर ग्रीन। इसको अगर मैं वो दे दूँ हैश वैल्यू एफ एफ ए एफ एफ, हाँ तो ये देखो पता चल रहा है, इसको हैश वैल्यू समझ रहा है, कलर नेम नहीं समझ रहा है ये। ठीक है, तो जो भी कलर वो बनता था हैश वैल्यू में वो मिल गया। मिसाल के तौर पर मैं इसको ग्रीन करूँगा तो कैसे करूँगा, रेड को ज़ीरो, जी को फुल, और ये पता है ना सबको ये वाला कोड क्या होता है। ठीक है, हेक्स वैल्यू में लिखा हुआ है, आरजीबी का कोड है ये। ठीक है, तो ग्रीन हो गया, ये प्राइमरी है ये। अच्छा, इसी तरीके से मैं क्या बता सकता हूँ, मैं सेकेंडरी कलर भी बता सकता हूँ। ठीक है, अभी सेकेंडरी मैंने नहीं लगाया बटन, एक और सेकेंडरी भी बना देता हूँ ना इधर। हाँ, वेरिएंट इक्वल्स टू सेकेंडरी, अरे हाँ वेरिएंट तो पहले से लगा भाई, मैं कह रहा हूँ यार एरर क्यों दे रहा है, वेरिएंट नहीं ना उसका, क्या था, एक्सेंट था, क्या था, कलर था, कलर था, वही मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है इसको अचानक। ठीक है, तो अभी हमारे पास पर्पल है, जो सेकेंडरी कलर है वो पर्पल है, तो मैं अब इसको क्या करने जा रहा हूँ, सेकेंडरी को मैं बनाने जा रहा हूँ ब्लू। तो मैंने कहा भाई ये प्राइमरी के बाद ना जो मेरा सेकेंडरी कलर होगा ये ब्लू होगा, तो रेड ज़ीरो, ग्रीन ज़ीरो और ब्लू फुल, सही है, तो ये ब्लू हो गया। अभी बहुत ही वाहियात ब्लू कलर है तो ये वाला ब्लू कलर आपने यूज़ नहीं करना है, वो उन्होंने जो बताया हुआ है ना कि भाई हमने निकाल के रखा हुआ है अच्छा सा, तो मैं रेड के साथ कॉमा करके ब्लू इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये क्या था भाई, सही है। अच्छा, ये बता भी रहा है कि ब्लू 100 200 क्या सीन है इसका। ठीक है, तो मैंने कहा कि शायद 1 2 3 4 फिफ्थ, ये फिफ्थ वाला मुझे चाहिए, तो फिफ्थ वाला क्या है, 1 2 3 4 5 400, तो मैं ब्लू 400 लिखूंगा, उसका हेक्स कोड भी बताया हुआ है उन्होंने, तो ब्लू 400 लगा देते हैं इस पर, ब्लू 400, राइट। तो ये थोड़ा अच्छा ब्लू हो गया, बेहतर ब्लू हो गया, मेरे वाले से बहुत बेहतर हुआ है। ठीक है, ग्रीन भी उठा लेते हैं यहाँ से हम, यही सीधे सीधे होते हैं ना ग्रीन और ब्लू और ये सारे कलर। तो ये ग्रीन में मैंने कहा कि यार मुझे चाहिए 400 लगा देते हैं, 500 लगा देते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ ग्रीन लिखूंगा तो क्या होगा, एरर, सिर्फ ग्रीन नहीं लिख सकता मैं, 500 लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ, वो पूरी एरे है ग्रीन की असल में, कि भाई कौन कौन सा आपको इसमें रखना है। तो ये मैंने दो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी मेरा सेट कर दिया। अभी आपका प्राइमरी सेकेंडरी क्या होगा, जो भी आपका कलर का पैलेट है, जब डिज़ाइनर आपको डिज़ाइन देता है ना, क्योंकि देखो ये सारा डिज़ाइन से कनेक्टेड है चीज़, डिज़ाइनर जब आपको डिज़ाइन देगा ना जो XD का या फिग्मा का, तो उसमें उसने साइड पे ना कलर की बनाए हुए होते हैं, मेंशन किया हुआ होता है। अगर मैं कोई मैं एक एग्जाम्पल डिज़ाइन देखूं,
ठीक है, वेब डिज़ाइन फिग्मा, तो ये कोई किसी ने फ्री डिज़ाइंस बना के रखे हैं। तो इसमें से मैं कोई रैंडमली कोई भी डिज़ाइन उठा रहा हूँ, ठीक है, 20 वेब डिज़ाइंस, ये क्या हो रहा है, अच्छा लोड हो रहा था ये, अच्छा ये तो इसने 20 सीधे सीधे यहाँ पे छाप दिए इसने, लेकिन प्रॉपर नहीं बताया प्रॉपर, इसने कलर वलर ये सब कुछ, साइजिंग वाइजिंग कुछ भी नहीं बताई थी इसने। अदरवाइज इसमें क्या होता है, साइड में ना थंबनेल्स हैं इसके, ये प्रॉपर नहीं है। इसको मैं लिखता हूँ प्रो वेब डिज़ाइन, ताकि वो प्रोफेशनल टाइप का मुझे दिखे, ब्यूटी प्रो। लोड हो रहा है, हाँ हो रहा है लोड। ये तो इसका कवर पेज आ गया और डेमो, अच्छा इसमें भी नहीं बताया हुआ। लेकिन जो अच्छे डिज़ाइनर होते हैं ना भाई, वो क्या करते हैं, वो यहाँ साइड में एक लिस्ट बना देते हैं यहाँ पे, जिसमें वो चार अपना जो पैलेट होता है ना वो डिफाइन कर देते हैं कि ये मेरा पैलेट है, ठीक है। इसमें भी देख के वैसे आपको फील हो रहा होगा, वाइट जो है इसका ये प्राइमरी कलर है और ब्लैक जो है इसका वो सेकेंडरी कलर है। अच्छा ये मैं प्राइमरी सेकेंडरी जो बता रहा हूँ ना, ये कलर मेन कलर्स की बात कर रहा हूँ। अभी इन मेन कलर्स से ना टाइपोग्राफी के कलर्स बाहर निकलते हैं, तो टाइपोग्राफी के कलर फिर अलग लिस्ट बनी हुई होती है। अब वो डिज़ाइनर्स को पता होता है कि मेन कलर ये है तो टाइपोग्राफी के कलर्स क्या होने चाहिए, तो टाइपोग्राफी का प्राइमरी सेकेंडरी थर्डरी वो अलग होता है, ठीक है। हेडिंग्स का कलर और क्या क्या होगा वो साइड में पूरी लिस्ट बनी हुई होती है, वो मुझे कहीं मिल रही नहीं है अभी एग्जाम्पल में, लेकिन वैसा होता है, ठीक है जी। तो ये हमने एक थीम बना ली। अच्छा अब ये थीम में देखो पैलेट है ना एक चीज़, अब इसने टॉप पे बताया हुआ था कि क्या क्या कस्टमाइज़ हो जाता है, टाइपोग्राफी कस्टमाइज़ हो जाती है। क्लिक किया मैंने टाइपोग्राफी पे, देखो फॉन्ट फैमिली ऐसे करके है, कह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप लिखोगे तो क्या फॉन्ट फैमिली आएगा उस पर। मटेरियल यूआई में तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है रोबोटो, लेकिन मुझे चाहिए कोई ख़ुद का, तो मैंने यहाँ पर वो सारे फॉन्ट फैमिली का नाम बता दिया कि मुझे ये वाले चाहिए। अब ये एक लंबी कहानी है कि इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा या क्या होगा। ये लंबी कहानी इस वजह से है कि फॉन्ट सिर्फ वही डिस्प्ले होता है जो आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि फॉन्ट की फाइल आप अटैच करेंगे साथ में, ठीक है, लिंक लगाएंगे जो हमने अटैच किया है रोबोटो का, तो रोबोटो चलेगा इसमें, ठीक है। फिर ये फॉल बैक्स होते हैं सारे कि सबसे पहला ट्राई करेगा वो नहीं मिलेगा, दूसरा ट्राई करेगा, तीसरा ट्राई करेगा, चौथा ट्राई करेगा, अल्टीमेटली क्या करेगा, एक जेनेरिक नेम हम लास्ट में लिखते हैं, वो इन्होंने यहाँ नहीं लिखा पता नहीं क्यों, लेकिन जो रॉ सीएसएस के अंदर हम लास्ट में एक जेनेरिक नेम लिखते हैं, ठीक है, कि सैरिफ है, सैन सैरिफ है या मोनो स्पेस है ये, तो हम वो नाम लिख देते हैं, तो उस नाम का कोई एक फॉन्ट तो होता ही है सिस्टम में, तो वो उठा के ले आता है, ठीक है। अब ये HTML में ये बात डिस्कस नहीं की थी हमने, क्योंकि हमने HTML भी काफ़ी ब्रीफली पढ़ा था कि भाई फॉन्ट फैमिलीज़ क्या होती हैं, किया था हमने डिस्कस, चलो अच्छी बात है अगर किया था दोस्तों। तो फॉन्ट फैमिलीज़ जो है ना, उसका पूरा एक अलग टॉपिक है पूरा, कि फॉन्ट फैमिलीज़ क्या होती है, कौन सा फॉन्ट किस जगह के लिए बेस्ट होता है। लेकिन स्टिल इसका HTML से ताल्लुक नहीं था, अगर हमने नहीं भी डिस्कस किया, HTML से ताल्लुक नहीं था, इट इज़ डिज़ाइन से ताल्लुक है इसका, कि कहाँ पर कौन सा फॉन्ट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब ये सेल्फ होस्टेड वगैरह, अच्छा तो ये टाइपोग्राफी को आप ऐसे करके क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इन्होंने क्या बताया था कि क्या हो जाएगा, स्पेसिंग को आप कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग जो है ना, वो क्या चीज़ है, यूज़ द थीम डॉट स्पेसिंग टू हेल्प द क्रिएट द कंसिस्टेंट स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स। ये स्पेसिंग असल में ये कह रहे हैं मार्जिन को ना, लेकिन मार्जिन से थोड़ा डिफरेंट है स्पेसिंग। अब ये स्पेसिंग क्या चीज़ है, इनके ना स्पेसिंग के उसमें जाना पड़ेगा कि भाई स्पेसिंग का चक्कर क्या है। अभी इन्होंने स्पेसिंग यहाँ पर कहीं मैंशन नहीं किया कि स्पेसिंग क्या चीज़ है। वेल तो मटेरियल यूआई के अंदर जब आप देते हैं ना किसी चीज़ को मार्जिन, तो आप स्पेसिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। मार्जिन दे दें अलग से या स्पेसिंग दे दें, ऑलमोस्ट एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है प्लेन मार्जिन देने में और स्पेसिंग देने में। अब यहाँ पे वो वाला डॉक्यूमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ पे मैं स्पेसिंग को अलग से डिस्कस कर लूँ, मैं अलग से गूगल पे लिखता हूँ मटेरियल यूआई की स्पेसिंग, तो ना सिस्टम स्पेसिंग, हाँ ये आ गया ना।
वाइड रेंज ऑफ शॉर्ट हैंड रिस्पॉन्सिव मार्जिन एंड पैडिंग, मार्जिन और पैडिंग दोनों है इसके अंदर स्पेसिंग में. यूटिलिटी क्लासेस टू द मॉडिफाइड एलिमेंट इन अपीयरेंस, ठीक हो गया. नोटेशन अब इसके अंदर क्या किया है, एम फॉर मार्जिन है, पी फॉर पैडिंग है, टी फॉर मार्जिन दैट सिट टॉप ऑफ द पैडिंग, या मार्जिन टॉप या पैडिंग टॉप, टी लिखेंगे इसमें जस्ट. ये इसकी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, ऐसे करके मैं इसको दे सकता हूँ. मैं कहूँगा एस एक्स एम माइनस टू, एम माइनस टू का मतलब क्या है, मार्जिन माइनस 16, ठीक है. ये पिक्सल नहीं लिखा हुआ है इसमें, गौर करें आप, ठीक है, माइनस टू लिखा हुआ है जस्ट. अब ये जो होगा इसका 8 के बराबर होगा, हाँ 8 पिक्सल. अब ये स्पेसिंग को थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है, कि स्पेसिंग में और मार्जिन में असल में फ़र्क क्या होता है. ये इनके स्पेसिंग की जो है ना पूरी एपीआई है कि क्या चक्कर चल रहा है अंदर कहानी. तो इस स्पेसिंग को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि स्पेसिंग और उसमें एक्चुअल में फ़र्क क्या है, ठीक है. वो थोड़ी सी कहानी लंबी है तो वो आप खुद से पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है. और ये स्पेसिंग आप डिफ़ॉल्ट थीम पे सेट कर सकते हैं. अच्छा, डिफ़ॉल्ट में कुछ ना कुछ स्पेसिंग पहले से लगी हुई होती है. उसका रीज़न ये है, देखो यहाँ पर मैं जब जाता हूँ ना, तो देखो अभी मैं बटन का लाइन चेंज करूँगा ना, जब ये दो बटन है ना, ये मैं लाइन चेंज करूँगा जब बी आर. अच्छा नहीं, बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं है, ज़ीरो स्पेसिंग है, बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं है डिफ़ॉल्ट पे. अच्छा यहाँ पे आके मैं क्या बोलूँगा, स्पेसिंग आ जाते हैं, स्पेसिंग कैसे बताया था इन्होंने लगाना, थीम डॉट स्पेसिंग टू. ये आप ऐसे करके भी बता सकते हैं, क्रिएट थीम के अंदर स्पेसिंग फोर. ये तो पैलेट है ना, अच्छा पैलेट से बाहर है स्पेसिंग, स्पेसिंग फोर, दैट्स इट. अब आते हैं देखते हैं क्या होता है. ओए ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ, मैंने कोई मिस्टेक की है क्या, अब अभी भी पता नहीं चला. चलो हम स्पेसिंग को थोड़ा गौर से पढ़ देते हैं कि उन्होंने क्या बताया है. इसने बोला थीम डॉट स्पेसिंग टू लगा दो ऐसे. ओ एक्चुअली मैंने इसको गोल ब्रैकेट की जगह ना वो डायरेक्ट नंबर दे दिए, ऐसे लगाना था. अब अबे अभी भी नहीं हुआ. सही है, हमने ये सिंपल नंबर वाला दिया, फंक्शन से भी दे सकते हैं, एरे से भी दे सकते हैं. ये स्पेसिंग का एक स्केल इन्होंने बनाया हुआ है कि भाई कैसे स्केल पे होनी चाहिए. अच्छा ये देखो मटेरियल के उस पर ही लेकर आ गया ये पूरा मुझे. ये है स्पेसिंग का ना, मटेरियल का डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है ये स्पेसिंग का. बॉडी का रीजन क्या होगा, कैसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होगा, ये सब कुछ बताया हुआ है इसने. अच्छा इसने बोला है कि 12 वाले को ना जो 8 पिक्सल की जो स्केलिंग है ना, स्केलिंग है वो है बाय डिफ़ॉल्ट. तो बाय डिफ़ॉल्ट तो कुछ भी स्पेसिंग नहीं दिख रही थी मुझे. मोस्ट प्रॉब्ली शायद मैंने जो बटन्स लगाए हुए ना दो अदद, वो बटन पे स्पेसिंग नहीं होती शायद, वो दो बॉक्सेस पे होती है, दो डिव के ऊपर स्पेसिंग होती है शायद, है ना. ये सारी लिस्ट वगैरह में लगती है और उसमें जाना, अगर हम डिव बना देते हैं कंटेनर में उसके अंदर आइटम्स होते हैं ना. हाँ ये मेरे ख्याल है दो डिव के दरमियान की स्पेसिंग की बात हो रही है, ठीक है जी. अच्छा उसके अलावा ब्रेक पॉइंट्स हैं इसमें. अब ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं कि जब आपकी वेबसाइट किसी छोटे डिवाइस पे खुलती है तो आपको क्या करना होता है, मीडिया क्वेरी के ज़रिए कुछ चीज़ों को चेंज करना होता है. तो आप वहाँ पे ना ये देखो एक्स एस और बाय डिफ़ॉल्ट जब 0 पिक्सल से लेके 599 पिक्सल तक ये समझता है एक्स्ट्रा स्मॉल है, ठीक है. फिर 600 पिक्सल से लेके 699 तक ये समझता है स्मॉल डिवाइस है, ठीक है. ये डिफ़ॉल्ट है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं थीम के ज़रिए, ठीक है. ऐसे करके आप इसको चेंज करेंगे स्टाइल थीम. अच्छा नहीं ये तो थीम में नहीं बता रहा, थीम में कहाँ बता रहा है यार, ये थीम में ही तो मौजूद होगा. ब्रेक पॉइंट्स, अच्छा ये ब्रेक पॉइंट्स है मुझे उसमें उठा के लेके चला जाता है. CSS मीडिया क्वेरीज दीज वैल्यू कैन बी कस्टमाइज्ड, ऐसे कस्टमाइज होगी, ठीक है.
क्रिएट थीम के अंदर मैं वैल्यू सेट कर दूंगा कि किसकी क्या वैल्यू है। मिसाल के तौर पे स्मॉल डिवाइस को मैं कहता हूँ नहीं यार 450 पे ही आप समझोगे स्मॉल डिवाइस है, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है हमें, क्योंकि जो तो फिक्स है ना, जो गूगल क्रोम के ऊपर आप हम देखते हैं जो मोबाइल डिवाइस का जो यहाँ पर टेस्टिंग टूल है ना ये कि भाई मीडियम डिवाइस ये बोलता है 375 पे, तो हम इसको 375 पे सेट कर देंगे अगर ज़रूरत है मुझे। ठीक है, अगर मैं ऐसी वेबसाइट बना रहा हूँ जो 3-4 डिवाइसेस पे रिस्पॉन्सिव होती है, या मैं किसी खास तरह की 3 डिवाइसेस पे बना रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मुझे पता है कि मेरा आईफोन पे, आईपैड पे और आईपैड प्रो पे, इन 3 डिवाइस पे ही चलेगा मेरी ऐप, तो मैं उन तीनों के लिए फिर स्पेसिफिकली इसको चेंज करूँगा, अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं जनरल ऐप बना रहा हूँ तो उन्होंने जनरल ही सेट किया हुआ है देखभाल के, वैल्यूज़ ये नहीं रहेंगी, यही वैल्यूज़ तो चेंज करेंगे आप। हाँ, एक्सेस एसएम यही रहेगी, यही रहेगी। हाँ, इसके अलावा आप पूरा पूरा मोबाइल लिख दो, आप इसको कोई भी नाम लिख दो, लेकिन फिर उसको इस्तेमाल उसी तरीके से करना होगा। फिर अब ये ब्रेक पॉइंट्स इस्तेमाल कैसे होते हैं वो यहाँ इन्होंने बताया होगा कहीं नीचे। अब ये ब्रेक पॉइंट्स जो है ना, ये इस्तेमाल ऐसे होते हैं कि मिसाल के तौर पर एक बटन बनाया मैंने, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि यार एक्स्ट्रा स्मॉल पे इसकी विड्थ इतनी हो जाए और मीडियम पे इसकी विड्थ इतनी हो जाए। मीडिया क्वेरी में यही बोलते हैं ना कि यार जब मेरे स्क्रीन का साइज़ 600 पिक्सल से छोटा हो जाए तो बटन को गायब कर दो। तो मैं क्या बोलूँगा इसमें आगे, मैं इसमें बोलूँगा कि भाई अगर ये क्या हो जाए, अगर एक्स एस हो जाए ना तो हिडन, समझ लो ये होता है। अभी इन्होंने कहीं ना कहीं अंदर बताया होगा कि वो कैसे इस्तेमाल होता है, अभी वो सामने मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये बहरहाल हमारा ना थीम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा ना इसमें हो रहा होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने कुछ ऐप्स में देखा होगा, जैसे यहाँ पे ना इसको ये हम डार्क और लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे ऑप्शन इसका गायब हो गया, ये देख रहे हो डार्क हो गया। अब ये कैसे हो गया पूरा डार्क, वो हाँ उसको हम कंडीशनल बना देंगे। यहाँ पे जो ये बात लिखी है ना मैंने थीम, मैं इसमें टर्नरी ऑपरेटर लगा दूंगा, मैं कहूँगा कि यार अभी अगर ना जो सिस्टम की थीम है, आपको पता है ना सिस्टम की थीम कैसे गेट करते हैं, नहीं पता सिस्टम में इस बार डार्क सेट है या क्या सेट है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं बोलूँगा जावास्क्रिप्ट सिस्टम थीम, तो वो एक आज क्योंकि जाहिर आपको पता है हर किसी में हो गया ये हर डिवाइस में, तो मैं कैसे करके इसको गेट करता हूँ, मैं ऐसे करके लिखता हूँ ना ये रहा विंडो डॉट मैच मीडिया, तो इसमें मुझे ये करके मिल रहा होता है मैच मीडिया के अंदर ना कि भाई ये प्रेफर्ड कलर थीम डार्क अगर है इसमें तो इसका मतलब है डार्क मोड है, ये इन्होंने बताया हुआ डिटेक्ट करना। और ये इसका एक आसान तरीका भी है, वो यहाँ पे नहीं किसी ने मेंशन किया हुआ। हाँ ये रहा, देखो एक फंक्शन बनाया इसने गेट थीम, अब ये फंक्शन आप एज इट इज़ उठा के अपने पास यूज़ कर लो, अगर डार्क मिल रहा है तो डार्क है, लाइट मिल रहा है तो लाइट है, इस वक्त करंट थीम जो है ठीक है उसके अकॉर्डिंग। या मैं बटन भी बना सकता हूँ एक कि बटन बना के मैं लाइट और डार्क करवा दूँ, तीन ऑप्शन होते हैं आमतौर पे कि भाई फिक्स लाइट हो, फिक्स डार्क हो या डिफ़ॉल्ट हो। विंडो डॉट मैच मीडिया है, हाँ विंडो डॉट मैच मीडिया, ठीक है ये इसने सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको वोट किया हुआ है, मैंने भी वोट किया हुआ है इतफाक से इसको, देख रहे हो कह रहा है कि इफ़ ये लगा दो तो इसका मतलब है डार्क मोड, अगर ये इफ़ ट्रू होता है तो डार्क मोड है, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसको गेट कर सकते हैं इजीली कि भाई करंट सिस्टम की थीम के अकॉर्डिंगली आप अपना थीम भी सेट कर दें। अच्छा, जैसे मैंने जिक्र किया था कि फिग्मा पे जब आपको डिज़ाइन बना के मिलेगा, तो अब जो नए वाले डिज़ाइन है ना उसमें लाइट मोड की स्क्रीन्स भी मिलती हैं, डार्क मोड की स्क्रीन्स भी मिलती हैं, दोनों की स्क्रीन अलग अलग मिलती है, और लाइट मोड का कलर पैलेट ज़ाहिर डिफरेंट होगा, डार्क मोड का कलर पैलेट और टाइपोग्राफी का पैलेट दोनों डिफरेंट होगा, क्योंकि डार्क स्क्रीन पे फिर टेक्स्ट मुझे लाइट कलर से देना होता है, जैसे इसमें देखो टेक्स्ट सारा का सारा वाइट हो गया, अभी मैं इसको चेंज करूँगा ना तो देखना टेक्स्ट जो है वापस टेक्स्ट ब्लैक हो गया, ठीक है टेक्स्ट वाइट या ब्लैक होने का ताल्लुक बैकग्राउंड कलर से है ना, अगर बैकग्राउंड भी ब्लैक है तो टेक्स्ट भी ब्लैक है तो पता ही नहीं चलेगा, फिर तो कंट्रास्ट जीरो हो जाएगा। अच्छा, तो ये मटेरियल यूआई को हमने काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया, ठीक हो गया जी डिफ़ॉल्ट थीम। अच्छा, डिफ़ॉल्ट थीम में क्या क्या चीज़ किस जगह पर है, मिसाल के तौर पर ब्रेक पॉइंट डिफ़ॉल्ट किया है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है इसी तरीके से पैलेट जो है वो डिफ़ॉल्ट किया है वो ये लिखा हुआ है, प्राइमरी कलर देखो ये ब्लू है 3, ठीक है कॉमन करके कुछ है, सेकेंडरी कलर ये है,
ठीक है, पता है आप लोगों को, हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, वार्निंग का कलर क्या है। तो ये डिफ़ॉल्ट पे जो जो चीज़ जहाँ सेट है ना वो यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, डार्क में क्या हो जाता है वो भी देखो, डार्क में ना प्राइमरी चेंज हो रहा है, मेरा प्राइमरी ऐसे ब्लू है लेकिन जैसे ही मैं डार्क थीम करता हूँ तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। टेक्स्ट का कंट्रास्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने सारी सेटिंग की हुई है, जो जो आप सोच सकते हैं ना वो सब किया हुआ है इन्होंने। अच्छा, इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए मुझे 3 से 4 क्लासेस चाहिए होंगी कि यार अभी डार्क मोड को कैसे सेट करना है, स्विच पे कैसे लगाना है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आपने ये ख़ुद से एक्सप्लोर करना है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इतना नक्शा खींच दिया कि आपको एक आइडिया हो गया कि वाई मटेरियल यू आई एंड हाउ मटेरियल यू आई हेल्प्स यू, ठीक है, ये आपको आइडिया हो गया एक्चुअली। अच्छा जी, तो नाउ फाइनली इट्स टाइम टू मूव के हम चैट बॉट की तरफ मूव करें। ये पैलेट वैलेट को मैं क्या कर देता हूँ, रोक देता हूँ ताकि वो डिफ़ॉल्ट जो है वही पकड़े वो। स्पेसिंग 4 को भी मैं रोक देता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे किसी किस्म की कोई स्पेसिंग एक्स्ट्रा वो ना पकड़े, जो डिफ़ॉल्ट है वही पकड़े, ठीक है। कलर वापस पहले जैसे हो चुके हैं आप देख रहे हैं। तो अब हमारे पास टाइम कितना बचा है, हमारे पास हाफ एन आवर बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, हाफ एन आवर में सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक अदद मैं ऐप बार बना देता हूँ टॉप पे, जिसमें ये जो सारे मुन्ने उसके अंदर ट्रांसफ़र मार दूंगा मैं। तो आ जाते हैं जल्दी से यहाँ पे, कंपोनेंट कस्टमाइजेशन कंपोनेंट, ठीक है, ऐप बार ये ऐप बार आ गया हमारा, ठीक है। ऐप बार हमें क्या चाहिए, 3 बटन वाला चाहिए। तो हमने क्या किया, ये इसका कोड उठाया। अच्छा, लोगो वोगो तो नहीं है ना हमारे पास, कोई ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें 3 बटन हो सिर्फ, लोगो ना हो, बस चलो लोगों को उड़ा देंगे हम, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास जो क्या है वो इसका फुल कोड है। अच्छा, ये कोड मैंने कहाँ लिखना है, ये कोड मैंने जहाँ पे ऐप बार लगा हुआ जाहिर है वहीं लिखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ जो इम्पोर्ट हुई है ना, पहले तो मैंने इसको सबको क्या कर लेना है, इम्पोर्ट कर लेना है। और कहाँ जाके इम्पोर्ट करना है, इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर, नहीं सॉरी ऐप डॉट जे एस के अंदर, यहाँ पे मैंने इन सबको क्या कर लेना है, इम्पोर्ट कर लेना है, ठीक है। काफ़ी कचरा फील हो रहा है लेकिन इतना तो होगा ना भाई, जब बकाए क्या चीज़ दोबारा इम्पोर्ट हो गई है, हाँ रिएक्ट दोबारा इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इम्पोर्ट कर लिया हमने सारा का सारा। अच्छा, इन्होंने पेजेस का कुछ एरे वेरे बनाया हुआ है, ठीक है। हमने पेजेस का एरे नहीं बनाना, हमारे पास बाकायदा नाम है उन पेजेस के, तो हम वैसे करके करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐप बार इन्होंने पूरा ऐसे एक ये बनाया हुआ है, तो मैं पूरे ऐप बार को लास्ट तक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये पूरा ऐप बार मैंने लास्ट तक कॉपी कर लिया। अब इसमें कुछ फंक्शंस लगे हुए हैं किसी जगहों पे, वो हमने अभी तक नहीं लगाए, तो ये आ जाता हूँ मैं, और मेरा जो डिव है इसके अंदर टॉप पे इसको ला के, ये नैव बार मेरा खुद का नीचे जा रहा है अभी, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट। अच्छा, अब इन्होंने जो है ना वो सारा ULLI वगैरह वाला ये मंजन इन्होंने इंटरनली हैंडल किया हुआ है, तो हमें वो सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं क्या दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे अभी तक, एरर दिख रहा है क्योंकि हैंडल ओपन न्यू बार ये सब फंक्शंस इन्होंने बनाए हुए थे जो हमने नहीं बनाए अपने पास, तो चलो वो फंक्शंस भी कॉपी कर लेते हैं, फिर बाद में उन फंक्शंस को चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 फंक्शंस हैं टोटल जो इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। टोटल 4 फंक्शंस हैं जो इन्होंने यहाँ पे बनाया है, वो मैं यहाँ पे, अच्छा मुझे अब रिटर्न का कीवर्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि जब मैं यहाँ फंक्शंस बनाऊँगा तो ये सिंगल लाइन रिटर्न फिर काम नहीं करता मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट करूँगा, इसको भी कर्ली ब्रैकेट करूँगा, और यहाँ पे मैं रिटर्न का कीवर्ड लगाऊँगा जब ही मैं यहाँ पे फंक्शन बना सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं फंक्शन नहीं बना पाऊँगा, सही है। अब देखते हैं जी, एरर मेरे तमाम अगर रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, कुछ सेट एंकर वगैरह इन्होंने कुछ स्टेट वैल्यूज़ बनाई हुई हैं जो कि मैंने ये 3 चीज़ें स्टेट वैल्यूज़ बनाई हुई हैं कुछ, वो भी मैंने नहीं बनाई थी, तो चलो वो भी बना लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ स्टेट वैल्यूज़ हैं। अच्छा, ये क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट के साथ किया हुआ है तो मुझे ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो ये इवेंट किया हुआ है ना इसने, ये टाइप स्क्रिप्ट में इसको रिक्वायर्ड होता है। जावा स्क्रिप्ट का भी ऑप्शन था, हाँ यस, बस जावास्क्रिप्ट में वही 4 चीज़ें माइनस हुई हैं, हाँ बस वो तो बाकी तो वही है ना, उसमें सिर्फ टाइपिंग बता रहे होते हैं और कुछ नहीं होता एक्स्ट्रा। तो मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट वाला लगा दिया इसमें,
ठीक है, प्लेन जावास्क्रिप्ट हम कर रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट जो है वो मेरे ख्याल है अब उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी एक ज़माने में हुआ करती थी। अच्छा मैंने तो वो सारी चीज़ें मैंने बना दी हैं यहाँ पर, राइट। अच्छा रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, पेजेस नॉट डिफाइंड, सेटिंग नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 30 में कहीं मैंने रिएक्ट का इस्तेमाल किया है। अच्छा ये रिएक्ट डॉट यूज स्टेट है ना, तो हम तो डायरेक्ट यूज स्टेट चलाते हैं, हम ये रिएक्ट हटा देंगे यहाँ से। और पेजेस इज नॉट डिफाइंड लाइन नंबर 103 पेजेस, व्हाट इज पेजेस, हाँ यस वो जो क्लिक हो रहे हैं वहाँ पे एक्चुअली। अच्छा तो हमारे पास तो पेजेस का नाम है बकायदा, तो हम क्या करेंगे, हम ये पेजेस पे मैप चला के उसको नहीं डिस्प्ले करवाएंगे, हम एक्चुअली पेजेस का नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। मेन्यू आइटम की भी हटा देंगे इसमें से, ठीक है। हमारे पास चार मेन्यू आइटम होंगे, ठीक है, जो चार पेजेस हैं उसकी जगह चार मेन्यू आइटम होंगे हमारे पास। और पेजेस 105 पे भी है, ओके गॉट इट। ये जो पेज है ना, मैंने कहा पेज नेम, अभी इसका नाम चेंज करते हैं, एक्चुअल नेम लेकर आते हैं, ठीक है। पेजेस अभी 139 पे भी कहीं पेजेस आ रहे हैं, 139 गिरा। अच्छा यहाँ पे भी पेजेस डॉट मैप करके लगाया है, मैंने कहा नहीं भाई पेजेस डॉट मैप नहीं होगा, यहाँ पे मेरे जो है ना बटन्स होंगे प्रॉपर बकायदा। ये मैं मैप उड़ा देता हूँ इसका, और मैंने कहा भाई ये बटन होंगे, की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, और मैं बोलूँगा भाई यहाँ पे पेज का नाम आएगा, पेज नेम, सही है। सेटिंग 170 के ऊपर मौजूद है। अच्छा सेटिंग डॉट मैप, सेटिंग में क्या क्या आइटम है वो यहाँ पे इन्होंने वो किया हुआ, तो मैंने कहा भाई ये भी मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भाई सेटिंग 1, सेटिंग 2, सेटिंग 3 ऐसे करके लिखूँगा, सही है। मैंने कहा सेटिंग 1, सेटिंग 2 ऐसे करके आ रहा होगा मेरे पास। वेल तो ये मेरे पास बन के आ चुका है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने से ये सेटिंग 1, सेटिंग 2 खुलता है जो R लिखा हुआ है। अच्छा उसके अलावा लोगो पे क्लिक करने से ये होम पे ले जाता है मुझे, एक्चुअली मैं वापस कॉन्टैक्ट पे आता हूँ। और पेज नेम मेरे पास एक क्यों आ रहा है भाई, मैंने तो 3 लिखा था, पेज नेम सिर्फ एक क्यों आ रहा है, एक्चुअली मैंने क्योंकि नाम बिल्कुल सिमिलर लिखा है तो शायद उसको ये समझ में नहीं आया कि ये अलग अलग है। अब सर ये उसमें किया हुआ आपने, किसमें, ये वाले मेन्यू आइटम किधर गायब हो गए, इसको भी तो आना चाहिए सर। ये एमडी पे देखा नन हुआ है, एक्सेस सर ये स्मॉल के लिए है सर ये, ओके गॉट इट। डिस्प्ले इसने किया है कि एक्स्ट्रा स्मॉल जब हो तो ब्लॉक कर दो इसको, और मीडियम डिवाइस पे इसको नन कर दो। अच्छा गॉट इट, ये यहाँ पर आएंगे, ओके यहाँ दिस के लिए ये। अच्छा और ये नॉर्मल डिवाइस के लिए जो था, यहाँ पे 3 नाम थे, पेज नेम वो और ऊपर है वो, अच्छा ये लोगो जो लिखा हुआ है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, राइट। ये जो लोगो लिखा हुआ है ना मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा इसको उड़ा दूँगा पहले, तो पहली फुर्सत में। ये जो टाइपोग्राफी है मेरे पास लोगो पूरा का पूरा, ये पूरा टाइपोग्राफी है लोगो, ठीक है। और ये आइकन है जो लोगो के साथ बना हुआ था, ठीक है, छोटा सा आइकन है ADB आइकन, उसको भी मैंने उड़ा दिया, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को उड़ाने के बाद क्या होगा, वो गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, पेज नेम उसके बाद है, तो ये मेरा पेज नेम वाला बटन है, राइट। मेन्यू आइकन है, मेन्यू आइकन किधर है यार, टूल बार के अंदर है एक बॉक्स, और इस ये भी MD पे नन हुआ है। अच्छा ये वो वाला है जो साइड में 3 बर्गर आइकन आता है, ठीक है, बर्गर आइकन जो आता है, ठीक है, ये नन हुआ है तो इसको हम रोक देते हैं, ठीक है भाई। अगला कौन सा है, ADB आइकन डिस्प्ले नन। अच्छा ये ADB आइकन एक एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी आने वाला है, तो मैं इसको जूम इन करता हूँ, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई ये टाइपोग्राफी और ये ADB आइकन ना, ये दोनों आप क्या कर दो, उड़ा दो, ठीक है, यहाँ से भी उड़ गया ये। अब यहाँ पे मेरे पास जो पेजेस हैं एग्जैक्ट वही पेजेस मुझे सामने भी चाहिए, ठीक हो गया जी। अच्छा ये पेज नेम करके यहाँ पे बटन्स आ रहे हैं मेरे पास, मैंने कहा मुझे 2-3 बटन चाहिए, पहले पे मैं लिखूँगा होम, और दूसरे पे मैं लिखूँगा
क्या है मेरे पास दूसरा, गैलरी, गैलरी कॉन्टैक्ट और अबाउट। और चौथा मैं लिखूंगा यहाँ पे अबाउट, सही है। अच्छा कहीं ना कहीं इन्होंने जो खुद लिखा हुआ था ना लूप चला गया, वो एक बेहतर अप्रोच थी, लेकिन जस्ट टू कीप इट सिंपल अभी मैंने उसको हटाया, क्योंकि देखो ये बटन का कोड ना पूरा डुप्लीकेट हो रहा है, ये देख रहे हो इतना कोड पूरा चार दफ़ा डुप्लीकेट हुआ ये, इस चीज़ से हम बच रहे थे अगर हमने मैप लगा देना था वहाँ पर तो। ठीक हो गया जी, और अब हमारे पास क्या है, ओपन सेटिंग, ये लास्ट वाला आइटम है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा मेरे पास टूल बार का कंटेनर है, इसमें पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है, क्या किया मैंने, तो ये टोटल तीन पार्ट में मुश्तमिल है। इसको अगर आप समझेंगे तो आपको ऑब्वियसली ये समझ में आ जाएगा बहुत ईजिली। और मैंने कहा कि भाई होम पे क्लिक किया, गैलरी पे किया, कॉन्टैक्ट पे किया, अबाउट पे किया, तो अब इसको क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे क्लिक करने पे कुछ करवाने के लिए ये लिंक इसमें अटैच करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैं होम वाले पे जाऊंगा और होम वाले पे जाके मैं क्या करूंगा, ये लिंक अटैच कर दूंगा यहाँ पे। अच्छा ये लिंक अटैच करने से तो ये लिंक बन जाता है। हाँ यूज नेविगेट लगा के देखते हैं, लेकिन यूज नेविगेट के लिए तो फिर मुझे वो करना पड़ेगा ना, अगर मैं इसमें डायरेक्ट नहीं, टू डायरेक्ट इसमें काम नहीं करेगा, ऐसे है ना, ऐसे कह रहे हो। यहाँ पे ऐसे कंपोनेंट इसमें नहीं, ये तो बटन तो सही बना पा रहे हैं ना, बटन के अगर हम वो कंपोनेंट दे दें, ये टू दे दें बटन के अंदर कि भाई क्लिक पे टू पे ले जाओ, नहीं वो कंपोनेंट का प्रॉब्लम, नहीं तो वो ऐसे दे या वैसे दे एक ही बात है, तुम ये कह रहे हो ऐसे कंपोनेंट करके मैं उसमें दे दूं, नहीं कंपोनेंट करके हम इसमें से लिंक दे दें तो नीचे अगर टू के इसको एक और प्रॉब्लम, ऐसे कंपोनेंट करके ऐसे दूंगा तो भी एक ही बात है, एज अ चाइल्ड दे दूँ या एज ऐसे दे दूँ एक ही बात है, फर्क नहीं है उसमें, ये चक्कर है। ठीक है, तो वेल मैंने उसको अभी ना बटन के तौर पे दे दिया। ओके सही है, अभी उसके कलर का कुछ ना कुछ करते हैं, टाइपोग्राफी का कुछ चक्कर करते हैं, ये लिंक मोस्ट प्रॉब्ली ये लिंक पे ना हमें कुछ वो करना पड़ेगा। नहीं असल में लिंक की एक अपनी स्टाइलिंग है ना, वो पकड़ रहा है वो, ये मसला है, तो लिंक की अपनी स्टाइलिंग को मुझे रोकना पड़ेगा। सही है, वेल अभी तो ये चार मैंने यहाँ पे बटन लगा दिए, सही है, लेकिन लिंक की ना अपनी कुछ स्टाइलिंग है ये, वो अप्लाई हो रही है इसके ऊपर, तो इसको जो है ना मुझे क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। अब वो मैं कैसे रोकूंगा, उसके लिए एक तो तरीका ये SX लगा दूँ मैं, ठीक है, इसके ऊपर भी SX चलेगा क्या, नहीं चलेगा इसके ऊपर। अच्छा वो ऐसे हटेगा भी नहीं, उसके लिए वो सूडो क्लास लगानी पड़ती है, ठीक है बताया ना वो आपको, तो मैं क्या करूँगा इन चारों पे एक एक वो लगाऊँगा, सूडो क्लास लगानी पड़ती है उस पर विजिटेड करके, क्लास नेम लिंक बटन लिंक, सही है, ऐसे मैंने एक क्लास लगा दी इसके ऊपर। अब इस क्लास के ऊपर जाके ना मैं जो मेरे पास ऐप डॉट सी एस एस है, मैं बोलूँगा भाई ये जो क्लास है ना मेरा बटन लिंक डॉट विजिटेड को जो है ना आप क्या कर दो, कलर इसका वाइट कर दो, ठीक है। अब ये अनविजिटेड जो वो भी ब्लू था हमारा, तो उसको भी मुझे वाइट करना होगा एक्चुअली, ठीक है, तो उसको मैंने वाइट कर दिया। अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे जाके ना टाइपोग्राफी बना दूँ पूरा, मतलब लिंक के अंदर मैं टाइपोग्राफी करके दूँ, तो भी उससे भी मेरा शायद ये मसला हल हो जाए, ठीक है, लेकिन खैर अभी हम इसको टू कीप इट सिंपल अभी हम इसी तरह रखते हैं। अच्छा ये सबसे पहले मेरे पास ऐप बार आ गया, अब ये नीचे वाले नेविगेशन बार की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं नीचे वाला नेविगेशन बार क्या कर दूँगा, उड़ा दूँगा। सही है, अब मेरी ऐप कुछ इस तरह की दिख रही है, आई एम कॉन्टैक्ट पेज कॉन्टैक्ट कंपोनेंट,
अच्छा इस कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट के अंदर मुझे अब क्या चाहिए, आ जाते हैं इधर कंपोनेंट के अंदर हम, इसमें मुझे चाहिए एक अदद इनपुट बॉक्स जिससे मैं मैसेज दे सकूं। अच्छा यहाँ पे ज़रा हम टेम्पलेट्स में चल के देखते हैं कि मेरे पास कोई चैट स्क्रीन का टेम्पलेट बना हुआ है क्या। यहाँ चैट स्क्रीन नहीं बना हुआ, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, किसी ने ये चैट का कंपोनेंट बना के रखा हुआ है, देखते हैं अगर ये गुड इनफ होगा तो हम इसको यूज कर लेंगे एज इट इज। सही है भाई, तो कुछ इस तरह का ये चैट का कंपोनेंट है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है, हमें ये नहीं चाहिए। नहीं वो असल में उन्होंने अंदर एक भी स्क्रीन बनाई हुई थी, मुझे फुल स्क्रीन वाला चाहिए लाइक दिस वन। लाइव एग्जांपल नहीं है इसकी कहीं। ठीक है, मुझे काइंड ऑफ इस तरह का एक पेज बनाना है ना, मुझे इस तरह का एक काइंड ऑफ एक पेज बनाना है। वेल खुद से ही बनाते हैं यार, छोड़ो टेम्पलेट को। टेम्पलेट में असल में ये होता है कि एक चीज़ आपकी मर्ज़ी की होती है तो दूसरी चीज़ नहीं होती। या आपको अगर प्रॉपर पूरा पैकेज चाहिए तो फिर आप कोई प्रो टेम्पलेट लेते हैं या प्रो टेम्पलेट बनवाते हैं किसी से आप, तो उसमें आपको सब चीज़ फिर एक इवनली डिज़ाइन हुई भी मिल जाती है। और टेम्पलेट आमतौर पर आते हैं वेब, मोबाइल और टैबलेट के, वो तीनों के एक साथ ही होते हैं जो प्रो टैम्पलेट्स होते हैं जो पेड होते हैं। तो हम इनपुट्स में चलते हैं और इनपुट में चल के हमें इनपुट बॉक्स चाहिए, राइट, टेक्स्ट फील्ड। तो हमारे पास चैट के लिए जो टेक्स्ट फील्ड बेस्ट रहेगी वो सीधी सीधी वाली गोल टेक्स्ट फील्ड बेस्ट रहेगी। सही है, आउटलाइंड। ठीक है, आउटलाइंड वाली हमने ये उठा लिया है टेक्स्ट फील्ड। फुल कोड इसका खोल लेते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, टेक्स्ट फील्ड इंपोर्ट कैसे हुई है वो भी मिल जाए। टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया भाई, बटन पहले से ही इंपोर्ट हुआ हुआ था। अच्छा अब नोट करो इन्होंने क्या किया है यहाँ पे ना, बॉक्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, बॉक्स का इस्तेमाल किया और कह रहे हैं कि बॉक्स को बनाना कैसे है, कंपोनेंट कौन सा यूज़ करना है फॉर्म का। ठीक है, और ऑटो कम्प्लीट इसका रखना है ऑफ। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड कहीं पे भी लगा रहे हैं हम, तो बॉक्स करके हम ऐसे करके लगा सकते हैं। अच्छा कुछ स्टाइलिंग भी इसमें अप्लाई की है इन्होंने SX करके। ठीक है, जिसमें M1 अभी आपको पता है स्पेसिंग का देने का इनका तरीका एक, और विड्थ इसका 25 CH। अब CH भी EM और REM की तरह एक और यूनिट है। अब वो यूनिट क्या है वो इन्होंने लिखा हुआ है अपने डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, तो हम वेल सीधा सीधा बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। जो हमने ये डिफ बनाया हुआ है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम बॉक्स बना देते हैं। सही है। अच्छा बॉक्स हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, इंपोर्ट भी कर लेते हैं। बॉक्स इज जस्ट अ फ्लैक्स बॉक्स, एक ऐसा डिव है जिस पे फ्लैक्स बॉक्स पहले से लगा हुआ है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, और अब हम इसमें से टेक्स्ट फील्ड उठा लेते हैं, आउटलाइंड। मैंने कहा भाई एक अदर टेक्स्ट फील्ड और उसके फौरन बाद एक अदद बटन, प्राइमरी बटन एक्चुअली, ये मुझे चाहिए मेरी स्क्रीन पे, कि एक ऐसा टेक्स्ट आउटलाइन और ये ऐसा वाला एक। अच्छा एक डिफरेंस आ रहा है इसमें कि बटन का जो साइज़ है मेरा वो छोटा है। और अच्छा मुझे आउटलाइन पे ये ऊपर जो आता है ना ये नहीं चाहिए, ये किस चीज़ से आ रहा होता है, ये लेबल से आ रहा होता है। सही है, लेबल हटा दूंगा मैं तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, स्टिल मुझे क्या चाहिए इसमें, प्लेस होल्डर चाहिए, प्लेस होल्डर टाइप अ न्यू मैसेज। ठीक है, प्लेस होल्डर यहाँ पे आता रहेगा मेरे पास। बटन पे मुझे लिखना है सेंड बटन। सही है, और इस पर मैं क्या लिखूँगा, मैं साइज करके दूंगा इसको लार्ज, तो ये इससे साइज मैच हो जाएगा। अच्छा अभी भी नहीं हुआ मैच ये।
एक्स्ट्रा लार्ज भी था, बटन के डॉक्यूमेंट्स में जाके देख लेते हैं कि साइजेस क्या क्या थे। ये तीन ही साइज है, बस यही है, लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है, बस ये तीन ही साइज है। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली शायद मैं इसको आइकन बटन बना दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। आइकन बटन में कैसे बनाऊंगा, ऐसे करके बनाऊंगा, ठीक है, बजाय इसको बटन बनाने के मैं आइकन बटन बनाऊंगा और डिलीट आइकन की जगह मैं लिखूंगा भाई सेंड आइकन, ठीक है। डिलीट आइकन इन्होंने उठाया कहाँ से, आइकन से उठाया मोस्ट प्रॉब्ली, ये डिलीट आइकन इन्होंने यहाँ से उठाया। मैं बोलूँगा भाई कि मुझे क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ और करना, मटीरियल आइकन स्लैश डिलीट है ना ये, तो मैं डिलीट हटा दूंगा इसमें से और यहाँ पर मैं लगाऊंगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ से मैं कोई भी चीज़ उठा सकता हूँ, सेंड दे ही नहीं रहा सजेशन, यार क्या चक्कर है, डिलीट फॉर एवर, डिलीट आउटलाइंड, ये आ गया ना। अच्छा, कैपिटल से लिखना था मुझे, सेंड, अच्छा ये सारा असल में यही है, ठीक है, सिर्फ सेंड चाहिए मुझे, तो आ जाते हैं जी हम सेंड लगा के देखते हैं पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा। अगर ये नहीं पकड़ेगा तो मैं वो लगा लूँगा फिर इस पर, आइकन बटन भी तो नहीं मिला हुआ इसको, आइकन बटन भी तो मुझे उठाना पड़ेगा, आइकन बटन में कहाँ से उठाऊँगा। अच्छा, इसी तरीके से ये वाला भी है, मटेरियल स्लैश बटन, मटेरियल स्लैश टेक्स फील्ड है ना, तो मैं इसको बटन हटा दूँगा यहाँ से और यहाँ पर फिर मैं इसको ऐसे करके लगा दूँगा, तो फिर मैं टेक्स फील्ड को भी यहाँ से उठा के कॉमा करके ले जा सकता हूँ, ठीक है, बॉक्स को भी ऐसे कॉमा करके ले जा सकता हूँ, सही है, समझ लो कैसे हुआ ये। स्लैश मटेरियल से मैंने ये तीनों उठा लिए, अच्छा, और फिर इसमें से मैं क्या उठा सकता हूँ, आइकन बटन भी उठा सकता हूँ, आइकन बटन आ गया। नहीं, आइकन बटन में आइकन तो मेरी मर्जी का चाहिए ना, ये रहा सेंड का आइकन आ गया, सही है। अब सेंड में और कौन कौन से विजुअली देखना चाहते हैं आप, तो जाके अपना मटेरियल आइकन में देख सकते हैं, क्योंकि उसमें सेंड बहुत सारे आ रहे थे, सही है, MUI का ये मटेरियल आइकन आ गया ना, यहाँ पे आप सेंड लिखेंगे ना तो ये कौन कौन से आ रहे हैं वो आपको दिख जाएगा। हमने ये लगाया इस वक्त, सिर्फ सेंड नाम है जिसका, सही है। अब ये कैंसिल स्केजुअल सेंड या स्केजुअल सेंड ऐसे करूँगा तो वो दूसरा वाला आ जाएगा, सही है। तो ये बटन अब मैं हटा देता हूँ, मैं ये बटन नहीं चाहिए मुझे, सेंड का बटन चाहिए, ये वाला आइकन बटन और अंदर सेंड लगा दिया मैंने। फॉन्ट साइज इनहेरिट, एरिया लेवल में बोलूँगा सेंड, ठीक है, साइज लार्ज, सही है, मच बेटर। अब मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है, ऐसे वाला साइज़ बढ़ाना है, वो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, विर्थ, टेक्स्ट फील्ड की जो विर्थ है ना मुझे, बल्कि इस बॉक्स की विर्थ मैं बढ़ाऊंगा एक्चुअली, इसकी मैं बॉक्स की विर्थ बढ़ाऊंगा 100%। अभी मुझे इनपुट में जाके देखना पड़ेगा कि फुल साइज वाला कैसे मैं कर सकता हूँ, इनपुट बॉक्स टेक्स्ट फील्ड में फुल स्क्रीन वाला अगर मुझे चाहिए तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं एग्जांपल बताई हुई होगी, ये रहा, ठीक है, अमाउंट जिसमें लिखा हुआ है वो फुल स्क्रीन वाला है, मैं आगे कोड में देख लूँगा कि कैसे किया उन्होंने। सही है, अमाउंट, आउटलाइड इनपुट और हाँ फुल विड्थ लगाने से मेरा काम हो जाएगा, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और टेक्स्ट फील्ड पे आके मैं बोलता हूँ फुल विड्थ है, सही है, फुल विड्थ हो गया। अच्छा, फुल विड्थ करने से एक मसला हुआ है कि सेंड का बटन मेरा क्या आ गया, नीचे आ गया, तो इसको मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ इसके अंदर। अब
बॉक्स पे मुझे शायद फुल विड्थ लगाना होगा बजाय इस पे लगाने के। कर तो दिया बॉक्स पे फुल विड्थ यार। अच्छा बॉक्स पे फुल विड्थ का मतलब कुछ और है। अब इनपुट फील्ड में क्या क्या स्टाइलिंग दे सकता हूँ मैं, उसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा? उसके लिए मुझे जाना होगा इसकी एपीआई में। ठीक है टेक्स्ट फील्ड, सही है टेक्स्ट फील्ड हमने पकड़ी भी है ना अभी। टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या क्या पॉसिबल प्रॉप्स हो सकते हैं या क्या क्या पॉसिबल स्टाइलिंग हो सकती है वो सब यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ऑटो कम्प्लीट है, क्लास है, प्राइमरी सेकेंडरी है, डिसेबल एरर है, फुल विड्थ है, बुलियन हमने लगा के देखा उससे हमारा काम नहीं हुआ। ठीक है इनपुट प्रॉप्स ये हैं, मार्जिन है, रोज है, मल्टी लाइन है, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेस होल्डर, रोज, साइज, अच्छा ये तो साइज मीडियम स्मॉल वो है, द साइज ऑफ द कंपोनेंट। अच्छा एस एक्स करके मैं काफ़ी चीज़ें इसमें दे सकता हूँ। अब वो एस एक्स के पेज पे उसके लिए मुझे कह रहा है कि जहाँ वहाँ पर जाके देख लो। ठीक है वेल मैं इसको साइज दे के देखता हूँ कि ये क्या उसकी विड्थ के साइज की बात कर रहा है। टेक्स्ट फील्ड का मैं इसको अगर साइज देता हूँ कि भाई लार्ज, तो इसका क्या इम्पैक्ट आता है इसमें? नथिंग। नथिंग ओके, ये एक्चुअली उस टेक्स्ट फील्ड की हाइट ही बात हो रही है। ठीक है तो मैं ये वाला साइज मेरे काम का नहीं है। अब मुझे क्या करना है, एस एक्स करके उसको देना है जो भी देना है। तो ये कह रहा है एस एक्स के ना उस पर फील्ड पे चले जाओ आपके एस एक्स क्या बोलता है। ठीक है कह रहा है एस एक्स करके भी देख सकते हैं उसकी फील्ड, एस एक्स वाले पे चले जाते हैं। बेसिक्स एग्जांपल, ठीक है एस एक्स करके वो एक्चुअली वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे दे पा रहा हूँ जो मैं सी एस एस में देता हूँ। तो मैं ऐसे करके ना इस बॉक्स को एक्चुअली मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले तो बॉक्स को मैं बनाऊँगा कि भाई आप फुल विड्थ हो जाओ। ठीक है बॉक्स बाय द वे पहले से भी फुल विड्थ है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके देखूँ ना तो ये है मेरा वो बॉक्स जो ये आई एम कंपोनेंट बॉक्स के अंदर है। हाँ ये बॉक्स के अंदर है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बॉक्स के अंदर मुझे मोस्ट प्रॉब्ली एक और बॉक्स चाहिए होगा क्योंकि ये तो मेरा पेरेंट बॉक्स है ना, यहाँ पे मुझे एक और बॉक्स चाहिए होगा जो मेरा मतलब बॉटम की लाइन होगी जो मेरी एक। ठीक है ये मेरी जो ये वाला जो मेरा बॉक्स होगा इस पर भी फुल विड्थ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इस पर मैं एस एक्स करके स्टाइलिंग लगाऊंगा कि आप क्या हो जाओ क्या एरर कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर। अच्छा वो डबल ब्रैकेट आएगी, अब तो फ़र्क क्या हुआ यार, डबल ब्रैकेट तो उसमें भी देता हूँ मैं। विड्थ मैं इसको दे देता हूँ कि भाई आप 100% हो जाओ विड्थ, सही है। बॉर्डर मैं इसको दे देता हूँ 1 pixel सॉलिड ब्लैक ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली ये कहाँ तक आ रहा है। ठीक है ये वाला पूरी पट्टी बन गई है वाली। अच्छा अब मैंने एस एक्स देना है इस इनपुट बॉक्स को। ठीक है अच्छा अगर मैं इसको विड्थ 100% नहीं देता हूँ तो भी बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% ही है क्योंकि ये डिव है, एक्चुअली डिव 100% ही होता है तो मुझे यहाँ पे इसको देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं बॉर्डर लगा दिया मैंने ताकि मुझे दिखे ये। अच्छा अब मैंने टेक्स्ट फील्ड पे आके इसको एस एक्स पास करना है और इसको मैंने बताना है कि भाई आपकी जो विड्थ है वो क्या हो जाए 80% हो जाए। ठीक है स्क्रीन की 80% मैंने इसको कहा कि विड्थ हो जाए तो हो गई है, सही है। अच्छा बेहतर है कि बजाय मैं 80% में ना दूँ इसको, इसको मैं नहीं परसेंट में ही देना पड़ेगा मुझे क्योंकि जूम इन जूम आउट हर सूरत में मुझे 80% दिखाना है। ठीक है तो मैं कहता हूँ यार 85, चलो 85। ठीक है ये शायद मुझे और ज़्यादा करना चाहिए उसको, एक पॉइंट पे आके लेकिन ये नीचे चला जा रहा है।
नहीं मैं ऐसा क्या करूँ कि पेरेंट तो फ्लैक्स बॉक्स है, वो तो मुझे पता है पेरेंट तो इसका फ्लैक्स बॉक्स है, मैं ऐसा क्या करूँ कि इसकी विड्थ वेरिएबल हो जाए, या तो मैं पिक्सल में दूंगा, पिक्सल में देना मसले का नहीं है, परसेंटेज में भी दे रहा हूँ तो एक पॉइंट पे आके ना ये नीचे चला जा रहा है। तो इसका मुझे एक हल नज़र आ रहा है कि मैं एक बॉक्स यहाँ पे और बनाऊँ छोटा सा, और मैं बताऊँ कि 20% इस बॉक्स की भी विड्थ रहेगी, तो वो हर हाल में उधर ही रहे, तो ये वाला करके देखते हैं। मतलब ये टैक्स फील्ड तो मैं बनाऊँगा, बट यहाँ पर फिर मैं एक और बॉक्स बनाऊँगा, या एक और बॉक्स अगर नहीं बनाता मैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी एसएक्स पास करूँगा इसको, और एसएक्स पास करके इसको भी बोलूँगा कि भाई आपकी जो विड्थ है ना वो क्या हो जाए। वो एक और अलग है सर, वो जो ग्रिड सिस्टम ग्रिड होता है इसका। हाँ वो भी हल है इसका, ठीक है। मैंने इसको बोला कि भाई आपने ना इस जगह पे रहना है, अब ये मेरा ख्याल है नीचे नहीं जाएगा, आप नहीं जा रहा नीचे, मैंने एक और बॉक्स बना दिया, मैंने कहा आपने इधर ही रहना है, तो ये मैंने मसला हल कर लिया ऐसे करके, ठीक है। इसका बॉर्डर हटा देता हूँ मैं, बॉर्डर की अब हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो ये मटेरियल यूआई पे हमारा ना एक बॉक्स बन गया है मैसेज का। अब इस बॉक्स को पूरे को मुझे क्या करना है, मुझे इसको मेन स्क्रीन से निकाल के ना नीचे ला के फिक्स करना है। ये काम कैसे होता है सीएसएस में, कोई बता सकता है? ये काम दूंगा मैं ये एसएक्स से ही, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि पोजिशन, सही है, पोजीशन बोलते हैं इसको, और फिक्स्ड बोलते हैं कि पोजीशन इसकी हो फिक्स्ड, सही है। पोजीशन इसकी क्या कर दी मैंने, फिक्स कर दी, टॉप वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि यार मैंने कहा कि बॉटम पे मुझे चाहिए ना, अरे ये क्या हो रहा है, एरर क्यों दे रहा है यार, कॉमा बॉटम ज़ीरो, सही है नीचे से। अच्छा ये इसकी अभी विड्थ को क्या हो गया, अच्छा इसका जो असल में मैंने रिलेटिव जब इसको किया ना, तो इसकी विड्थ जो पहले 100% होती थी इस बॉक्स की, वो क्या हो गई है, वो मुतासिर हो गई है। तो मैं इसको दोबारा से कह देता हूँ कि विड्थ आपकी 100% ही होगी, नहीं ये इन दोनों का पेरेंट है, ठीक है। तो ये वापस फिक्स हो गया, अब बीच का कंटेंट ऊपर नीचे होगा लेकिन ये अपनी जगह से नहीं लेगा, ठीक है, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। ये जूम इन किया हुआ है मैंने, और ये जूम आउट करने पे ये ज़ीरो जूम लेवल पे ये किस तरह से होगा कुछ, ठीक है जी, ये ज़ीरो जूम लेवल है मेरा, और ये सेंड का बटन है। अच्छा सेंड के बटन पर ये शेडो जो है वो थोड़ा सा गोल मटोल हो गया इसका, गोल मटोल इस वजह से हो गया क्योंकि मैंने आइकन बटन को जो है ना विड्थ दे दिया था, तो इससे मुझे क्या पता चला, मुझे इसको नहीं देना, इसके अराउंड मैंने एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। काफ़ी आज हमारी जो है ना वो यहाँ पे शायद ऐसे मैं करूँ तो ये, लेकिन ये नीचे क्यों आ गया यार, अच्छा जब इसको मैंने ऐसे किया तो बाई डिफ़ॉल्ट ये फ्लैक्स भी खो गया इसका, नहीं यार चलो लगा के देख लेते हैं, अरे डिस्प्ले फ्लैक्स, हाँ सेट हो गया, ठीक हो गया जी, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, ठीक है जी। और डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद मैं इसको क्या कह देता हूँ, इसकी विड्थ मुझे फिर 14 पर सेट करने की ज़रूरत नहीं है, है अभी भी। यहाँ पे आने के बाद ये इतना बढ़ क्यों जाता है, हालांकि परसेंटेज तो सेम है, है ये क्या चक्कर है भाई, या मुझे 3 इस पर वो लगाना पड़ेगा कंडीशन, इसकी इस पर मुझे 3 कंडीशन लगानी पड़ेगी भाई, अगर बड़ी स्क्रीन पे हो तो फिर ये 90% तक लेके जाए इसको, है ना। ये काम इन्होंने कैसे किया हुआ था यहाँ पे app.jsx पे, सर विड्थ करिए फिर उसके आगे, है ना, इन्होंने बोला हुआ था भाई एक्सेस, ये तो दे दिया इसने, md पे इसने बोला हुआ था कि भाई नन हो जाए, डिस्प्ले करके ना, डिस्प्ले करके ऑब्जेक्ट दिया हुआ था पूरा, डिस्प्ले पे ना पूरा ऑब्जेक्ट पास किया हुआ था इन्होंने ऐसे,
तो एक्चुअली फिर मुझे करना ये होगा कि दो अलग अलग बॉक्सेस बनाने होंगे, एक छोटी डिवाइस के लिए एक बड़ी डिवाइस के लिए, और फिर मैं यहाँ पे ऐसे करके लगा दूंगा कि भाई ये वाले को छोटी डिवाइस पे मना कर दो और वो वाले को ऐसे, मतलब एक्चुअली फ्लिप किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, एक बॉक्स ये बनाया हुआ है, एक बॉक्स इसके नीचे बनाया हुआ है, ठीक है, एक को ये दिखाते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल पे और दूसरे को दिखाते हैं मीडियम पे, ये हाइट है ये हाइट है, ठीक है। तो ऐसे मुझे दो बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, तो प्रॉपर हल इसका यही है कि मैं दो अलग अलग बॉक्स बनाऊँ, जैसे इन्होंने यहाँ पे नेफ बार के लिए किया हुआ है। वेल, अभी मैं टू कीप इट सिंपल इसको मैं नहीं बनाता हूँ, अभी मैं इसको इतना ही पे ही रखता हूँ। अच्छा, अब अगला काम मुझे क्या करना है, अगला काम मुझे यहाँ पे बलून्स बनाने हैं मैसेज के, ठीक है, मैसेज के बलून भी यहाँ पे हैं आई थिंक, ठीक है। अच्छा, ये मैं कैसे सर्च करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैसेज बलून को बोलते क्या है मैं भूल गया, बलून ही बोलता है कुछ, ये ना इस तरह का कंपोनेंट होता है एक। अच्छा, या तो उसमें होगा बिल्टन, या तो मैं क्या करूँगा, कार्ड्स में शायद इन्होंने दिखाया हुआ था, कंपोनेंट में आता हूँ मैं वापस से, यहाँ पे कार्ड्स थे ना वहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ था ये वाला लिस्ट, नहीं लिस्ट नहीं है, टूल टिप टाइपोग्राफी नहीं, कार्ड कार्ड पे इन्होंने शायद दिखाया हुआ था मैसेज बना के एक जगह पर, नेविगेशन बार ड्रॉअर लिंक मेन्यू पेजिनेशन स्पीड डायल स्टेपर टैब इमेज लिस्ट, इमेज लिस्ट नहीं है तो वो है दूसरा आइटम है, पॉप ओवर ये तो ये चीज़ है, पॉपर पोर्टल, नहीं है भाई कहीं पे भी नहीं है, सही है। तो हमें काम करते हैं, इसको हम डिव से कस्टम बना लेते हैं। अच्छा, एक मुझे मैसेज बनाना है राइट के लिए, एक मुझे मैसेज बनाना है लेफ्ट के लिए, तो मैंने कहा एक डिव लो भाई, सही है, इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ कि भाई आप क्या हो, लेफ्ट हो आप, ठीक है, लेफ्ट बलून, और इसके अंदर कुछ मैसेज लिखा हुआ होगा, दिस इज अ टेक्स्ट मैसेज, सही है। इसी तरीके से एक हमारे पास क्या होगा, बलून की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, डबल एल ओ एन होता है राइट, ठीक है, और मैंने कहा ये राइट है। अच्छा, क्लास नेम क्योंकि मैंने लिखा है तो मैं इसको बहुत ईजिली क्या कर सकता हूँ, इसकी स्टाइलिंग में अलग से कर सकता हूँ। अच्छा, वैसे मेरा मटेरियल यूआई पे ना इतना अच्छा हाथ सेट नहीं है, तो ये जो मैंने अभी काम किया ना कि इधर मैंने एसएक्स करके सारी स्टाइलिंग दी है, और इसका मैं करने जा रहा हूँ अभी क्लास के ज़रिए, क्योंकि टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट पूरा हो गया क्लास का, ये आपने नहीं करना, इसको अवॉइड करना है आपने। अगर तो आप मटेरियल यूआई कर रहे हैं ना, तो पूरा फिर उसके तरीके से करें, क्योंकि पूरा वो फ्रेमवर्क है। अब मैंने इसको अगर कलर दे दिया ना सीएसएस से अलग करके, तो मसला फिर उससे ये होगा कि वो थीम जब चेंज होगी तो ये चेंज नहीं होगा, तो बहुत सारे इस तरह के मसले जन्म लेंगे अगर मैंने क्या कर दिया, प्लेन सीएसएस को और मटेरियल यूआई के तरीके को मैंने मिक्स किया, तो जो मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो या तो आप पूरी प्लेन सीएसएस लिखें, आपको पता है उससे आप सारा कुछ कर सकते हैं, या तो आप पूरा का पूरा मटेरियल की तरफ मूव करें, जिसके लिए मटेरियल की आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, मटेरियल्स क्योंकि डिफरेंट वर्जन आते रहे, और अभी आपने देखा काफ़ी बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है, तो एक क्लास में मेरा ख्याल है शायद ओवरवेलमिंग भी हो गया जितनी चीज़ें हमने आज पढ़ ली हैं, तो ये आपने काम नहीं करना फ़िलहाल, मैं टाइम को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट सी एस एस, ठीक है जी, और मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ इस फाइल को यहाँ पे,
कॉन्टैक्ट डॉट सी एस एस, और अभी सी एस एस में जाके मैंने सबसे पहले लेफ्ट बलून बनाना है, सही है, और उसके बाद मैंने डॉट राइट बलून बनाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा काम मैंने क्या करना है, तीसरा काम मैंने ये बनाना है कि पूरा जो विंडो होगी मेरे मैसेज की विंडो होगी मैंने वो बनानी है, क्योंकि मैसेज की विंडो में मल्टीपल मैसेजेस आ रहे होंगे, राइट। तो ये मेरे पास जो होगा वो मैसेज विंडो, ठीक है। तो एक मेरे पास मैसेज विंडो है और उसके अंदर मेरे पास चार मैसेजेस हैं लाइक दिस। तो मेरे पास मैसेज विंडो है और लेफ्ट बलून है और राइट बलून है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर जो मेरे लेफ्ट बलून का है, लेफ्ट बलून कौन सा है मेरा, जो मेरे मैसेजेस हैं, ठीक है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने रखा है वाइट, ठीक है, और टेक्स्ट का जो कलर मैं रख देता हूँ वो प्राइमरी काइंड ऑफ रख देता हूँ, ठीक है, ब्लू का जो भी शेड था इनका वो रख देता हूँ, ठीक है। राइट बलून जो वो सामने से बंदा मैसेज कर रहा है वो वाला है, इसका बैकग्राउंड कलर मैं क्या रखूँगा, अपोजिट, इसका मैं ये अपोजिट रखूँगा, ठीक है, वाइट की जगह पे ब्लू और यहाँ पे ब्लू की जगह पे वाइट, सही है। तो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है ये, जो कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं दिखेगा ये थोड़ी देर में, थोड़ी देर में इसकी मैं स्टाइलिंग करके इसको प्रॉपर मक्खन मलाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक तो चीज़ हमारे पास ये हो गई कि मेरे पास चार मैसेजेस हैं यहाँ पे, विंडो का जो मेरे साइज़ है अगर मैं मैसेज विंडो को देखूँ तो विर्थ ये लेता है पूरी, लेकिन हाइट पूरी नहीं लेता, ये हाइट ये लेता है पूरी से थोड़ी कम। तो मुझे तो एक्चुअली इसको लाना है नीचे, मतलब नीचे करके मुझे उसको नीचे से शुरू करना है मैसेज, क्योंकि जब मैं यहाँ से मैसेज टाइप करता हूँ तो पहला मैसेज मुझे इधर लिखा हुआ नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है और ये भी मैं कर सकता हूँ कि टॉप से रखूँ इसको। तो फिलहाल मैं टॉप वाली स्ट्रैटेजी कर लेता हूँ जो कि ईजी है रिलेटिवली। अगर मैं इसको बॉटम वाली स्ट्रैटेजी करूँगा तो मुझे इस पूरी विंडो को बाहर निकालना होगा और इसके साथ फिक्स करना होगा, ठीक है। तो नीचे से ये ग्रो कर रहा होगा बजाय ऊपर से ग्रो करने के। तो ये रिलेटिवली आसान जो तरीका है कि ऊपर से ग्रो करे वो, यानी पहला मैसेज जो है इधर टॉप पे लिखा हुआ है और फिर ऐसे नीचे की तरफ वो ग्रो करे और नए मैसेजेस नीचे की तरफ आ रहे हो, लेकिन स्टिल उसमें भी मुझे नीचे के मैसेज को कहीं ना कहीं लिमिट करना होगा, क्योंकि ये जो मेरा ये वाला मैसेज है ना, ये नॉर्मल फ्लो से बाहर है। तो जब मैसेजेस ज़्यादा होंगे तो वो इस टेक्स्ट बॉक्स के पीछे जाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मुझे नए मैसेजेस को यहाँ तक स्टॉप करना है, रोकना है मुझे यहाँ तक, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे इसकी ना हाइट सेट करनी होगी मेरे विंडो के बॉडी की, क्योंकि मैसेज विंडो है ना, इसकी बॉडी की मैं हाइट सेट करूँगा अभी। अच्छा, बॉडी की हाइट सेट करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा टूल है जिसको हम कहते हैं VH, ठीक है, ये मेरा विंडो है। अच्छा, इसको अगर मैं बोलता हूँ कि भाई हाइट और 100 VH, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये 100% विजिबल हाइट जो है ना वो ये कैप्चर कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसको मैं, जाहिर है जब मैं 100% करूँगा तो जो नए मैसेजेस हैं वो इसके पीछे जाना शुरू हो जाएंगे, जो मेरा नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स है। तो इसको मुझे कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, काइंड ऑफ मुझे 90 VH पे लेके जाना होगा, नहीं 90 भी काफ़ी ज़्यादा है, 80 VH, ठीक है, यहाँ तक मैं इसको रोक लूँगा कि भाई नए मैसेज ना बस इसके ऊपर ऊपर रहें, इससे नीचे ना जाए। अच्छा, फिर जाहिर है ऊपर से मैसेज आना शुरू होंगे और एक पॉइंट आएगा कि नीचे तक यहाँ फुल हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर स्क्रॉल होगा, ओवरफ्लो, नीचे तो छुपना शुरू हो जाएगा। तो मैं कहूँगा यार ओवरफ्लो जब करें ना ये वाला, तो आप क्या बोलोगे, ओवरफ्लो वाई, ठीक है, वाई का मतलब ऐसे खड़े वाले ना, और स्क्रॉल, ये दो हाइट, दो चीज़ें मैंने लगा दी, यही दो चीज़ें मैं यहाँ पे विंडो पे जाके पेस्ट कर लूँगा। अच्छा, दूसरा, अब ये लेफ़्ट बॉल जो है और ये राइट बॉल जो है, एक को मुझे लेफ्ट पे करना है, एक को मुझे राइट पे करना है। तो इसका क्या तरीका है, इसका तरीका ये होगा कि पहले तो पेरेंट को मुझे फ्लेक्सिबल करना होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, अब जो लेफ़्ट वाले हैं उनको मुझे लेफ़्ट पे करना है, राइट वाले को राइट पे करना है। तो मैं इसमें बोलूँगा कि भाई अलाइन सेल्फ, क्योंकि इधर मैं जस्टिफाई कॉन्टेंट अगर लगा दूँगा तो वो तो तमाम डायरेक्ट पेरेंट पे अप्लाई हो जाएगा ना, बट मुझे तमाम पेरेंट पे नहीं करना, मुझे इस आइटम को अलाइन करवाना है, ठीक है।
अच्छा डिस्प्ले फ्लेक्स करवाते ही एक चीज़ और भी होगी कि ये मैसेज यूँ हो जाएंगे पूरे, तो मुझे इसको ये भी करना पड़ेगा कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। अब जब फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कॉलम कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि जस्टिफाई कंटेंट जो अब यूँ चलता था ना हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल चलने लग जाएगा, और अलाइन आइटम्स जो कि वर्टिकल चलता था वो अब हॉरिजॉन्टल चलने लग जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये जो CSS ट्रिक्स की हमारी वेबसाइट है फ्लेक्स बॉक्स वाली, उस पर चलते हैं और उस पर हम देखते हैं कि एक सिंगल आइटम को अगर मुझे, एक सिंगल पार्टिसिपेंट को मुझे अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होगा तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। ये डायरेक्शन मैंने चेंज कर लिया था, और ये जो जस्टिफाई कंटेंट मैं कंटेनर पे लगाऊंगा ये तो सब पे अप्लाई हो जाएगा, बट मुझे रैंडमली एक को राइट एक को लेफ्ट करना है, सही है। ये रहा अलाइन सेल्फ। अब अलाइन सेल्फ ना वैसे तो हॉरिजॉन्टल और ऐसे चलता है ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन चूंकि मैंने अब उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया है तो अब ये हॉरिजॉन्टल चलने लग जाएगा, तो मैं अलाइन सेल्फ करके ना इसको एक तरफ या दूसरी तरफ करवा सकता हूँ। अच्छा तो एक को मैंने बोल दिया कि भाई अलाइन सेल्फ लेफ्ट, नहीं लेफ्ट नहीं होगा इसमें, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट, और यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ फ्लेक्स एंड, ठीक है। अच्छा बट इससे कुछ होगा नहीं, इधर नहीं हो गया यार। तो अच्छा ये हुआ ये असल में कि अपने टेक्स्ट के ऊपर ना टाइट हो गया है, जो भी कंटेनर था वो अपने टेक्स्ट के ऊपर टाइट हो गया है। अच्छा मुझे अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा ग्रो करवाना है। अच्छा इसका जो वाइट बैकग्राउंड कलर था वो बहुत ज़्यादा वाइट हो गया है, थोड़ा सा मुझे उसको ना शायद ग्रे करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको ग्रे करना पड़ेगा मुझे, ताकि वो दिखे तो सही कि वहाँ पे बलून है, क्या सेव नहीं किया। अच्छा सही है, थोड़ा सा मैंने ग्रे किया है, फिर हम देख लेंगे किसी अच्छे मैसेंजर से हम कलर कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कलर पिकर तो हमारे पास है, किसी अच्छे मैसेंजर से हम कलर उसका कॉपी कर लेंगे। अच्छा अब मुझे काम क्या करना है, अब मुझे काम ये करना है कि एक तो मैंने लेफ्ट और राइट की जो अलग अलग स्टाइलिंग थी वो मैंने लगा दी, अब एक मुझे मैसेज बलून का जो है ना एक कॉमन वो बनाना है, हाँ कि मैसेज बलून का ना एक कॉमन मुझे एक क्लास बनानी है, MESSAGE बलून, क्या है इसमें मैंने मिस्टेक की है, अच्छा कुछ लिखा नहीं था इसलिए वो हो रहा था। तो ये मैसेज बलून में क्या करूँगा, दोनों पे ऐड कर दूँगा कि भाई ये अल्टीमेटली है तो ये मैसेज बलून, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो इन दोनों पे कॉमन होंगी वो मैं यहाँ पे लगाऊँगा, जैसा कि क्या कॉमन होगा, पैडिंग, सही है, ये पैडिंग आ गई इसके ऊपर। अच्छा आ जाओ भाई ये, हाँ बॉर्डर रेडियस मैंने कहा भाई 10 पिक्सल, थोड़ा गोल करते हैं, सही है, 20 पिक्सल पे जाके ये पूरा गोल हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया। उसके अलावा क्या होगा, मार्जिन 20 पिक्सल ज़्यादा हो गया मार्जिन। अच्छा ये मार्जिन को मुझे चेक करने के लिए ना 2-3 मैसेज एक दफ़ा भी करने पड़ेंगे, मिसाल के तौर पे ये मैसेज 2 एक साथ हो और ये मैसेज 2 एक साथ हो, तभी मुझे मार्जिन पता चलेगा कि कितना चाहिए मुझे, सही है। ये देखो मेरे 2 मैसेज एक साथ और इसके 2 मैसेज एक साथ, तो मुझे मार्जिन और कम करना है इसका, 5 पिक्सल आई थिंक बहुत है, 4 पिक्सल बिल्कुल टच नहीं कर सकता मैं, मुझे 4 पिक्सल तक का इसको देना पड़ेगा मार्जिन, ठीक हो गया जी। तो ये 4 पिक्सल मार्जिन हो गया। अच्छा फॉन्ट साइज होगा इसमें, फॉन्ट साइज़ तो चलो सही है, 16 पिक्सल है जो डिफ़ॉल्ट पे होता है, ठीक है, बस मेरा ख्याल है ये काफ़ी हो गया। अच्छा एक चीज़ हम कर सकते हैं कि इसके यहाँ पे ना इस जगह पे एक और हम स्क्वायर बना के उसको हम इस तरफ से आने वाला मैसेज बना सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं मैसेज बलून लिखूँगा ना यहाँ पे, तो ये इस तरह की जो चीज़ है ना डिव लगा के हम इसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है शायद अभी इतना मैंडेटरी नहीं है इस चीज़ को अचीव, ये वाला आइटम जो इसको भी हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एक डिव यहाँ पे छोटा सा बनेगा स्क्वायर और हम उसको ट्रांसफॉर्म करके ना वो वाला बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसी चीज़ को अचीव करने का एक तरीका और भी है, एक तरीका और ये है इसका कि मैं जो बॉर्डर रेडियस लगाता हूँ ना मैं चारों कोनों का अलग अलग लगाऊँगा, बस सही है, बॉर्डर रेडियस जो चारों कोनों का अलग अलग लगाता हूँ मैं, वो कैसे लगता है,
जैसे ये 20 पिक्सल मैंने एक दफ़ा दिया ना, तो मैं बोलूँगा 20 पिक्सल 20 पिक्सल, सही है 20 पिक्सल, और लास्ट में 0 पिक्सल। तो देख रहे हो एक साइड पे वो नोक बनी हुई आ गई। ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, अलग से डिव बना के भी कर सकता हूँ। तो अगर ऐसा मैं करता हूँ तो फिर मुझे लेफ़्ट और राइट का ना बॉर्डर रेडियस अलग अलग खानों में देना पड़ेगा। सही है, तो आ जाते हैं अलग अलग खानों में दे देते हैं। ठीक है, मैसेज बलून के अंदर ये तीन चीज़ें मैंने लिखनी थी। ठीक है, पैडिंग 10 पिक्सल हो गया, लेकिन बॉर्डर रेडियस अब मैं दोनों को अलग अलग दूंगा अगर मुझे वो चीज़ अचीव करनी है तो। ठीक है, एक मैं पहला वाला ज़ीरो कर दूंगा। मैं पहला वाला ज़ीरो किस में करूँगा, क्लॉकवाइज होता है ये। सबसे पहला वाला कौन सा है, टॉप राइट है। ठीक है, सबसे ये क्या हुआ, लेफ्ट बलून राइट बलून, वही नहीं सेव नहीं किया। ठीक है, टॉप राइट है ना, तो लास्ट वाले का मतलब है ये कोना और थर्ड वाला। हाँ, लास्ट वाले का मतलब ये कोना, तो थर्ड को मैं जीरो करूंगा इस वाले में। सही है, दोनों साइड से मैसेज बन गए। नहीं, सेव कर दिया मैंने। अच्छा, अब मैंने क्या करना है काम, अब मैंने ये करना है कि यहाँ कुछ भी लिख के ना मैं एंटर करूँ ना तो वो एज अ मैसेज वहाँ पे अपेयर हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होगा, माई मैसेजेस करके मुझे एक स्टेट बनानी होगी यहाँ पे। मैंने कहा कि भाई कॉन्स्ट, सही है, माई मैसेजेस इक्वल्स टू, और ऐसे मैं कहूँगा कि यूज स्टेट, सही है, ऑटो इम्पोर्ट भी हो गया वो, एम टी एरे, सही है, शुरू में एम टी एरे हो गया ये। और मैं कहूँगा कि सेट माई मैसेजेस। ठीक है, यूज़ रेफ हमने आज ही पढ़ा है, तो यूज़ रेफ का भी थोड़ा सा और इस्तेमाल कर लेते हैं हम। मैं कहूँगा कि यार मैसेज, ठीक है, न्यू मैसेज बोलिए, ठीक है, न्यू मैसेज इक्वल्स टू यूज़ रेफ, सही है, और मैं कहूँगा भाई एम्प्टी स्ट्रिंग है। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब मेरा जो यहाँ पे बॉक्स है, इसमें मैंने फॉर्म नहीं बनाया एक्चुअली, मुझे फॉर्म भी एक बनाना पड़ेगा इसमें, या मुझे बॉक्स के ऊपर जाके लिखना पड़ेगा कि कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, ये भी आप रिएक्ट इसमें कर सकते हैं कि कंपोनेंट आप फॉर्म लगा दें इसका, ताकि वो सबमिट पे क्या करना शुरू कर दे, काम करना शुरू कर दे। वेल, मैं इसको सिंपल फॉर्म लगाता हूँ ताकि जब भी ये लिख के बंदा सबमिट करे, ये बॉक्स बॉक्स को सबको मैं इसके अंदर कर देता हूँ। सही है, और इसमें ऑन सबमिट का बाकायदा एक फंक्शन होगा, और मैं कहूँगा कि भाई सेंड मैसेज का ये फंक्शन है। ठीक है, सेंड मैसेज का एक फंक्शन होगा जिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ, और ये जो मेरा बटन है इस पे मैं लगा दूँगा कि भाई टाइप सबमिट है इसकी। वैसे जब एक बटन होता है तो ऑलरेडी वो टाइप सबमिट ही समझता है उसकी वो। अगर किसी फॉर्म के अंदर एक अकेला बटन है ना, तो बाई डिफ़ॉल्ट वो टाइप उसकी सबमिट समझी जाती है, लेकिन मैंने मैंशन कर दिया, मैंशन कर देना ज़्यादा सही है। अच्छा, टेक्स्ट फील्ड के साथ मैं लगा देता हूँ रेफ, और रेफ इक्वल्स करके जो मेरा क्या था, न्यू मैसेज। ठीक है, न्यू मैसेज का मैंने ऊपर जो रेफरेंस बनाया हुआ था ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, जब मैं यहाँ पे कॉन्स्ट सेंड मैसेज का बटन दबाऊँगा जब, तो मुझे ऑटोमेटिकली सेंड के बटन पे ये फंक्शन चलता हुआ मिलेगा, राइट, ये मैंने सेंड मैसेज यहाँ बनाया है, और मुझे रेफ के अंदर ये न्यू मैसेज मिल रहा होगा। मैं कहूँगा कि भाई न्यू मैसेज डॉट करंट डॉट वैल्यू, तो इस तरह करके मुझे वो होपफुली मिल रहा होगा। इसको कॉन्सोल कराते हैं इतने को। और आके यहाँ पे इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि ये क्या चक्कर है, ये क्या हो रहा है, एरर दे रहे हैं इतने सारे। अच्छा, अनडिफाइन मिल रहा है भाई, ये क्या चक्कर है।
अच्छा ये असल में चक्कर ये है कि मैंने जो रेफ लगाया हुआ है ना जिसके ऊपर, कुछ कह रहे हो? अच्छा बस 2 मिनट में ख़त्म करते हैं, ये सेंड मैसेज ज़रा क्लिक करने से ना मैसेज डिस्प्ले हो जाए फिर हम निकलते हैं। अच्छा ये असल में चक्कर ये हो रहा है कि जिस पे मैंने रेफ लगाया हुआ है ना टेक्स्ट फील्ड पे, ये टेक्स्ट फील्ड अल्टीमेटली ना 2-3 अलग अलग कंपोनेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मुझे रेफ पे वो एक्चुअली टेक्स्ट फील्ड नहीं ला के दे रहा, टेक्स्ट फील्ड का जो पेरेंट है ना वो मुझे ला के दे रहा है। तो बेहतर है मैं शायद यहाँ पे स्टेट वाला काम कर लूँ, अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, रेफ डॉट करंट पे मुझे जो चीज़ मिल रही है उस पर फिर डॉट करके डिव और फिर डॉट करके टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे करके मुझे मिलेगा वो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ ना इसको तो अल्टीमेटली ये जो ये बन रहा होता है ना, ये देखो ये डिव है और ये है मेरा टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट इनपुट के अंदर एक और डिव है फिर एक और इनपुट है, तो ऐसे करके मुझे ये मिल रहा होगा अगर मैं उसको रेफ के ज़रिए पकड़ना चाहूँ तो। मेरे ख्याल यहाँ पर मैं स्टेट ही लगा लेता हूँ, स्टेट के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ऑन चेंज ठीक है और सेट न्यू मैसेज सही है, सेट न्यू मैसेज के नाम से ऊपर बनाऊँगा मैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है इवेंट मुझे यहाँ मिल रहा होगा, ठीक है। ऑन चेंज हम देखा हमने क्या होता है ऑन चेंज, सेट न्यू मैसेज, तो इसको मैं न्यू मैसेज के बाद सेट न्यू मैसेज लगाऊंगा और मैं इसको यूज स्टेट ही बना लूँगा, ठीक है न्यू मैसेज। और अब मैं यहाँ पे इसको जस्ट न्यू मैसेज करके मुझे मिल रहा होगा ये, ठीक है वो टेक्स्ट मुझे मिलना शुरू हो गया। अब इस टेक्स्ट को मैंने जस्ट क्या करना है, जो मेरे माई मैसेजेस करके देना इसके अंदर मैंने क्या कर देना है, सेट माई मैसेजेस करके जो भी पहले से था माई मैसेजेस में वो रखवाना है कॉमा और मेरा जो न्यू मैसेज है, ठीक है। इससे क्या होगा ये ऑटोमेटिकली माई मैसेजेस में जाके स्टोर होना शुरू हो जाएगा ये, ठीक है। कुछ भी लिखा मैंने सबमिट किया कुछ भी, ये मेरा पेज पूरा रीलोड क्यों हो रहा है, अच्छा पेज रीलोड इसलिए हो रहा है क्योंकि सेंड मैसेज में मुझे एक ई मिलेगा यहाँ से और इस ई को मैंने प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट करना है। हम HTML के टाइम पर रिटर्न फॉल्स लगाते थे वो भी एक तरीका है, लेकिन यहाँ पर जो है ना प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट ज़्यादा बेहतर तरीका है क्योंकि यहाँ पर मुझे सबमिट का इवेंट यहाँ पर हर दफ़ा मिलता है। मैंने ये टेक्स्ट लिखा सबमिट, टेक्स्ट लिखा सबमिट, टेक्स्ट लिखा सबमिट, अच्छा जब मैं इसको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करा देता हूँ तो इसी फॉर्म खुद से सेट नहीं हो, रीसेट नहीं होता, ठीक है। फिर मुझे फॉर्म को रीसेट करवाने के लिए ना ई डॉट रीसेट भी करना पड़ता है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट होता है गालबन, ठीक है कुछ इस तरह का ही होता है। वेल इसको अभी मैं कॉमेंट कर देता हूँ, तो आपको खुद से रीसेट करवाना होता है फॉर्म को। अच्छा अब ये जो मेरे माई मैसेजेस हैं, माई मैसेजेस को मैं क्या करूँगा, ये हटा के ना पूरा अब यहाँ पर मैं मैप लगा दूँगा, अभी इसको हटाता तो नहीं उसी के नीचे ही लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाऊंगा कि माई मैसेजेस डॉट मैप और ईच मैसेज सही है, और ईच मैसेज के अगेंस्ट यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं रिटर्न करवा रहा हूँ पूरा ये वाला, ठीक है लेफ्ट बलून जो है मेरा, ठीक है। और ये ईच मैसेज जो है ना इसके अंदर एज अ टेक्स्ट शो हो रहा होगा, देखते हैं क्या होगा। मैं कुछ भी यहाँ लिख के सबमिट करूँगा तो वो यहाँ पे शो होने लग जाता है। अभी तो ये मेरे मैसेजेस है ना, मेरे मैसेज जा रहे हैं, जो राइट वाले वो सर्वर से रिस्पांस में आएंगे वो वाले मैसेज। एक्चुअली यहाँ पे ये कह रहा है भाई इसको की भी बता दो, की भी बता देते हैं अभी वो हम देखते हैं कैसे करवाएंगे। सही हो गया जी, सही है कुछ भी लिखा यहाँ पे लिखा कुछ भी लिखा, ये मेरे इस तरह वाले मैसेजेस आते चले गए। अच्छा अब एक प्रॉब्लम हमारे पास हो रही है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे, ये खुद से स्क्रॉल अप नहीं होते, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऊपर से तो चलता वैसा ही आता है, लेकिन ये अब नीचे मैसेज आ रहे हैं वो पीछे छुपते चले जा रहे हैं, नोट कर रहे हो,
तो ये स्क्रॉल अप नहीं होते खुद से। अभी मैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इसको स्क्रॉल अप करवाना पड़ेगा हर सेंड के बटन के क्लिक पे, ताकि और जब नया मैसेज आएगा जब भी हम इसको स्क्रॉल अप करवाएंगे। तो ये छोटी छोटी हमारे पास चीज़ें जो हमें करनी पड़ती हैं इसके अंदर। लेकिन मेरा ख्याल है आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हमने सबसे पहले क्या करना है, इस मैसेज को हमने सर्वर पर भेजना है, उठा गई सही है, सेंड मैसेज में हमारे पास ये आ रहा है तो ये सीधा हमने सर्वर पर भेजना है। सर्वर से जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमने इसी माई मैसेज में सेट करवाना है। बट नेक्स्ट टाइम हम इसको ऐसे करेंगे ना कि ये प्लेन टेक्स्ट नहीं होगा, एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में होगा और इसके अंदर मुझे दिख रहा होगा कि ये मेरा मैसेज है, ये सामने से आया हुआ मैसेज है। और उस बेस पे मैं सम टाइम क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने सीधा सीधा रिटर्न किया ना, मैं एक्चुअली यहाँ पे फिर लगाऊंगा इफ़, और इफ़ लगा के मैं कहूँगा कि भाई ईच मैसेज डॉट माई मैसेज अगर है तो ये वाला रिटर्न करो, अदरवाइज दूसरा वाला रिटर्न करो जो राइट बलून वाला है, ठीक है। तो जब मेरे पास 200 मैसेजेस उठ के आएंगे सर्वर से तो उसमें कौन से मेरे हैं वो इधर हो जाएंगे, कौन से सामने वाले के वो इधर हो जाएंगे। तो ये हमने काम करना है नेक्स्ट क्लास में, फिर ये स्क्रॉल विस्क्रॉल के भी मसले हल करने हैं। और नेक्स्ट क्लास में हमारी कोशिश होगी कि हम ये मैसेज की ऐप को कंप्लीट करके और इसमें जो जो चीज़ें हमने लगानी है वो लगा के फिर हम डायलॉग फ्लो का इंट्रोडक्शन अगली क्लास में हम ले लें, सही है। डायलॉग फ्लो हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चलो निकलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़। हाँ वो तो ई डॉट रीसेट जो मैंने लगाया ना इसको मैं हटाऊँगा तो सेट हो जाएगा, सही है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट रीसेट लगाने से वो रीसेट खुद ही हो गया, सही है। ये लाइन मैंने इनेबल कर दी, सेट हो गया। कोड मैं आपका पुश कर दे रहा हूँ।